हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? आज देखो हम लोग थ्योरी वाले चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं और चैप्टर का नाम हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो एक्चुअली आप इसको यही मत समझना, मैं इसमें अकाउंट्स का थ्योरी का A to Z सब लेके चलूँगा। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आपके फीचर्स, मतलब बहुत सारी बात हम करने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, मैं इस बात को एज्यूम कर रहा हूं कि आपने इसके पहले जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक की पढ़ाई आपने टिल ट्रायल बैलेंस आपने की होगी, या तो मेरे साथ ही या पहले अपने किसी प्यारे प्यारे सर के साथ, बट पढ़ा होगा जरूर आपने, तभी उसके बाद इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। जनरली आपके किसी भी बुक में क्या होता है, ये चैप्टर स्टार्टिंग में होता है, लेकिन मैंने क्या किया है कि इसको हमेशा आपके बुक में बीच में या एंड में रखा होगा। रीजन इसका ये होता है क्योंकि मेरा मानना है कि पहले प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए तब थ्योरी समझ में आता है। मैं पहले समझाऊं तो रटने का काम होगा, इसलिए आप यही तरीका फॉलो करेंगे जो मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। मैं इस चैप्टर में आने के पहले आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, आपके थ्योरी के लिए, आपके MCQ के लिए, आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। लेकिन परेशानी मेरी क्या है, चैलेंज क्या है कि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना तो हो सकता है कि आपको मतलब नींद आ जाए, आप सो जाए, और अगर आप सो गए तो सारे सपने चकनाचूर, आपके भी मेरे भी। जो मैंने ख्वाब देखा था कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद इस थ्योरी को बच्चों को ठीक से समझाऊंगा, मेरे बच्चे, वो मैं कर नहीं पाऊंगा, और आपके भी सारे सपना चकनाचूर, क्योंकि आप जब इस चैप्टर को नहीं समझ पाए, आप सो गए, तो फिर आगे आने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो आपके काम का नहीं है। मतलब आप एग्जाम में तो समझ जाओ कि थ्योरी पार्ट आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको जगना है, मेरे साथ जगना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सोने ना दूं, लेकिन मेरी कोशिश से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी है कि आप सो नहीं। आप अपने पास चाहो तो वो बाल्टी, पत्थर, डंडा, कुछ भी रख सकते हो। लगता है कि नींद आ रही है तो आप उसको अपने सर पे मारो, लेकिन जगो मेरे बच्चे, जगो। अगर नहीं जगे तो सोने से कुछ नहीं मिलता, मिलता उन्हीं को जो जगते हैं, है ना। तो मैं वही कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। आओ ना, मैं शुरुआत करूँ इस चैप्टर का। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब मैं बोलूँगा लिखने को तो ही आपको लिखना है, जब मैं बोलूँ बुक में देखो तो फिर बुक में आपने देखना है, और जब मैं बोलूँ कि लिखो तो फिर लिखना, ऑब्वियस बात। तो सुनते चलेंगे मेरी बात। चैप्टर की शुरुआत होती है 2 वर्ड के साथ। एक वर्ड आपका है ट्रांजेक्शन्स, एक वर्ड है आपका ट्रांजेक्शन्स, और एक ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, एक ट्रांजेक्शन, और एक वर्ड है आपका इवेंट। एक्चुअली जब अकाउंटेंसी की शुरुआत हुई थी ना तो आपको देखा होगा कि हर एक चीज़ ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है। ट्रांजेक्शन जो होते हैं हम उन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक्चुअली आज हम बहुत इनडेप्थ में इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, क्या होता है। देखो बहुत सारे डिस्प्यूट है इन 2 वर्ड को लेकर। इवन आपके इंस्टीट्यूट ने भी जब इनको डिफाइन किया, एक्चुअली ट्रांजेक्शन को, उन्होंने एक वर्ड लिख दिया है, मैं उस वर्ड का नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने गलत वर्ड लिखा हुआ है। अब क्या, छोड़ो उस बात को, मेरी बात ध्यान सुनिए। ट्रांजेक्शन इवेंट में क्या फर्क है? ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट्स ए हैपनिंग। बिजनेस में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ होता है जिसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक्सचेंज होना है। एक्चुअली रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेज पे करना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, क्या बोलते हैं जी, बैंक से लोन लेना, मतलब जितने भी चीजें जिनकी जर्नल एंट्री पास आप नहीं करते हो ना, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन। वो सारे ट्रांजेक्शन है। सुन लो मेरी बात ना, तो जितने भी हैपनिंग्स होते हैं बिजनेस के अंदर में, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन। सर फिर इवेंट क्या है? बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस आपके हुए उनका अल्टीमेट इंपैक्ट हम उसको क्या बोलेंगे? इवेंट कहेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने क्या किया, एक मशीन परचेज किया, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मान लो कैश पे लिया, सर लिखे, नहीं लिखना, मेरी बात सुनो, 5 लाख। आपने क्या किया जी, एक और आपने मशीन खरीदा ऑन क्रेडिट, मान लो मशीन टू आपका सप्लायर या वेंडर, कुछ भी लिखिए, मान लो 2 लाख रुपए। ये सारे क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन इसके बाद अब मशीन आपका एंड में टोटल कितने का हो गया? 7 लाख रुपीज का। चलो बताओ कैश हमारा कितना हो गया? तो जितना भी पहले से था उसमें 5 लाख चला गया, अब इतना कैश हो गया। हमारे पास सप्लायर्स को अब हमें कितना पे करना, एट एंड इतना पे करना। ये जो हैपनिंग है ना, जो अल्टीमेट इंपैक्ट है, हम इसको इवेंट कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं बच्चे? इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ गया, मान लो एमसीक्यू में रेंट पेड टू मोहन, बताओ क्या है, तो अब क्या बोलेंगे? इट्स ए ट्रांजेक्शन। टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? तो इवेंट है। जो भी पूरे साल में हुआ उसका अल्टीमेट इंपैक्ट जो हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट कहते हैं। आपने गुड्स परचेज किया, सेल किया, आपने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन। लेकिन प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना हुआ, मतलब अल्टीमेट इंपैक्ट, उसको क्या बोलेंगे? हम इवेंट कहेंगे। आपने गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स सेल किया, आपने गुड्स को रिटर्न किया, आपने गुड्स को ये किया वो किया, सब क्या है? ट्रांजेक्शन है। लेकिन अब गुड्स एंड में कितना बचा उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट कहेंगे, है ना। तो ये दो वर्ड में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। जरा पढ़ो मेरे बुकलेट के अंदर में। ट्रांजेक्शन का मतलब कहते हैं इट मीन्स अ बिजनेस एक्टिविटी which involves exchange of money or money's worth between two parties, sorry, it is performance of an act or an agreement। कोई act या कोई agreement perform करना, उसको हम transaction कहते हैं। और event का मतलब क्या होता है? event means happening due to any transaction, happening due to any transaction, in other words result of any transaction। जो ट्रांजेक्शन क्या, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या, उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट कहेंगे। इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। मेजर इन टर्म, ऑब्वियस बात है, हमारे पास पैसा कितना रहा, हमारे पास कितना सेल हुआ, कितना खर्च, टोटल जो चीजें होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। एक्चुअली एग्जाम्पल में कहता है रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्सेज आर ट्रांजेक्शन, ऑब्वियस बात है। लेकिन प्रॉफिट लॉस आपका सॉरी एंड में कितना है उसको हम इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा वजन देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली बात करें ट्रांजेक्शन आप समझ जा रहे हो। इवेंट का मतलब कि जो आपका, अब देखो ना, आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, पूरे साल, मतलब अगर मैं अकाउंटेंसी से हटके आपके पर्सनल लाइफ में आऊँ, आप पूरे साल पढ़ाई करते हो। आपके पापा मम्मी कितने आपको प्यार करते हैं, कितने आपको पीटते हैं, कभी जूते से पीटते हैं, कभी डंडे से पीटते हैं, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी आपको पत्थर, बहुत सारी बातें होती है ना घर में। ये आपके ट्रांजेक्शन से घर की बात करूँ तो। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट लास्ट में आप जब एग्जाम दिए तो आपका पास हुआ कि फेल हुआ वो आपका इवेंट होगा। किसी चीज का अल्टीमेट रिजल्ट हम उसको इवेंट कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पापा ने पीटा, मम्मा ने पीटा, तो पीटना इज ए ट्रांजेक्शन। लेकिन पीटने के बाद कितना इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ, कितने छाप आए आपके, 5-5, 10-10, 12-12 अंगुलियों के, अगर जितने के भी आए होंगे, वो आपका इवेंट, हैपनिंग, अल्टीमेट रिजल्ट उसका, उसको हम इवेंट कहते हैं। क्लियर ना यहाँ तक बात? सर पहले क्लियर नहीं हुआ था, अब क्लियर हुआ पिटाई वाले से, वो मुझे पता है। आपको वही बातें समझ में आती है। तो खैर एनीवे, इस पे झगड़ा नहीं करते। एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि रेंट पे करना, बताओ क्या है जी, तो हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन है। स्टॉक हमारे पास एंड में कितना, जरा बताओ वो क्या है, तो इवेंट है। टोटल रेंट पेड आपका इतना है, ये क्या है? एक इवेंट है। टोटल सैलरी क्या है? इवेंट है। तो समझ गए आप। मैं अब आगे बढ़ूंगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंटिंग। मेरे बच्चे अकाउंटिंग के डेफिनेशन को मैं क्या समझाऊं? अकाउंटिंग के डेफिनेशन को समझाने के पहले ना मन करता है कि मैं सब कुछ बंद करके आपको बस एक हीरो बना दूं, एक हीरो, एक विलन, कुछ भी कहो, एक हीरोइन, कुछ भी, मतलब जो स्टार होते हैं। एक्चुअली जब हम अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं ना, या जितने भी डेफिनेशन आज तक अकाउंटिंग क्या है, तो शुरुआत होता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है। अब ये कला का मतलब क्या होता है, आर्ट किसको बोलते हैं, हमें पहले जानना पड़ेगा। देखो जब मैं बोलता हूँ किसी आर्टिस्ट को आपने देखा है, तो आपके दिमाग में मन लगता है यार ड्राइंग करने वाले की बात कर रहा हूँ। ना 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 ना, जितने भी लोग इस दुनिया में है ना, जो अपने फील्ड में परिपक्व है, मैच्योर्ड है, जिनका एक्ट जो है ना आपको अच्छा लगता है, वो सारे आपके आर्टिस्ट हैं। अगर आपको शाहरुख खान का, सलमान खान का, आमिर खान का, चाहे अक्षय कुमार का, किसी का भी एक्टिंग अगर आपको अच्छा लगता है, तो वो एक आर्टिस्ट है। और आर्टिस्ट में भी टॉप कैटेगरी का आर्टिस्ट, मतलब जो इस आर्ट को जितनी अच्छी तरीके से जानता है, हम उसको उतना बड़ा आर्टिस्ट बोलते हैं। तो उसी तरीके से गाना गाने में कई सारे है ना, एक हिमेश अंकल जी हैं जो वो भी गाना गाते हैं, मुझे बहुत सारे नाम नहीं पता। अनु मलिक एक है, हमारे ज़माने में हुआ करते थे, वो गाना गाते हैं। हमारी लता मंगेशकर जी जो है वो गाना गाती है। तो ये भी क्या, ये भी आर्टिस्ट है, क्योंकि ये गाना मैं भी गाता हूँ। अगर मैं गाना आपको सुना दूं ना, तो अभी के अभी मैं आपको बताऊं कि आप जाके मतलब हैरान हो जाओ कि सर ऐसा गाना कैसे गा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं गाता क्योंकि मेरा वो काम नहीं हो, मैं उसमें आर्टिस्ट नहीं हूँ। अब इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मेरे गला बहुत गंदा है, गाने में मैं ऐसी मजाक कर रहा था, बट एक्चुअली मुझसे भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना गाना गाने में, वो भी मार्केट में हम उनके नाम को जानते हैं। तो आर्ट का मतलब होता है कलाकारी, एक कला। उसी तरीके से मेरे बच्चे अकाउंटिंग के अंदर में, अकाउंटेंसी के अंदर में आप जो अकाउंटिंग करते हो, आप जो अकाउंटिंग करते हो वो कितने मस्त तरीके से करते हो, कितना जबरदस्त आपकी कलाकारी है, हम वो कहते हैं वो आपका अकाउंटिंग है। अब पता है एक्चुअली क्या है, जब मैंने ये बोला ना कितने मस्त तरीके से आप अकाउंटिंग करते हो, तो आपके दिमाग में क्या चला, ओह अकाउंटिंग कितने मस्त, मैं तो बड़ा मस्त करता हूँ जी, जर्नल एंट्री अच्छी से बनाता हूँ, लेजर बना लेता हूँ, ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ, आपका BRS बना लेता हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लेता हूँ, मैं आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना लेता हूँ, मेरे आंसर मैच कर जाते हैं, तो आई एम ए बिग आर्टिस्ट। गलत जवाब। आप तो अभी इतने छोटे बच्चे हो ना अकाउंटिंग के अंदर में कि अभी आपको जो अंगुलियां दिख रही है ना, अपनी जो दिख रही है ना बच्चे, वो आई ही नहीं है, वो सिर्फ नेचुरल अंगुलियां आपको दिख रही होंगी कि आपके हाथ में, बट अकाउंटिंग के अंदर तो अभी वो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग बहुत 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 वास्ट है मेरे बच्चे। अकाउंटिंग को हमें सिखाते सिखाते प्रोफेशनल जो CA/CMA CS होते हैं उनके फाइनल तक में भी पढ़ाने के बाद उनको हम पूरी अकाउंटिंग नहीं सिखा पाते, वो अकाउंटिंग होता है। और अगर आपको सचमुच में मन कर रहा है ना कि थोड़ा अकाउंटिंग जाने की, अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी बातें अभी तक आपने पढ़ा ना, जिसमें आप सोच रहे थे कि मैं बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट हूँ जी, जर्नल एंट्री, लेजर, अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ, क्या मस्त तरीके से बना लेता हूँ, मैं तो टफ से टफ एंट्री भी कर जाता हूँ, तो जाके रोड पर चिल्लाऊंगा मैं आर्टिस्ट हूँ अकाउंटिंग का, गलत फहमी है। वो सिर्फ एक बुक कीपिंग है। मैंने क्या बोला, एक वर्ड आपको दिया बुक कीपिंग। पता है बुक कीपिंग जो है ना बच्चे, मैं आप सुनते चलना, अभी लिखना नहीं, जब बोलूंगा तब। बुक कीपिंग क्या है, मैं अगर अकाउंटिंग वर्ड की बात करूं ना, अकाउंटिंग वर्ड का, तो अकाउंटिंग एक बहुत 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 लिमिटलेस कह दूं मैं, इतना बड़ा अकाउंटिंग होता है, आसमान भी उसके सामने छोटा पड़ जाए, ये दुनिया जो है वो भी उसके सामने छोटी पड़ जाए, क्योंकि अकाउंटिंग इतना बड़ा है, उसके सामने हम और आप कुछ नहीं है। जो चीजें आपने थोड़ी बोड़ी सीखी भी है ना अभी तक, एक्चुअली वो सब क्या है, बुक कीपिंग है। ये तो बकवास काम है जिंदगी का। मैं तो ये चाहूंगा नहीं कि आप में से कोई भी बच्चा इस काम को करे। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने बुक कीपिंग में अपनी जिंदगी गुजार दी, तो आपको जीने का और मुझसे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है मेरे बच्चे। ये जो आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, ये जो आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर अकाउंट आप बनाते हैं, आप यहाँ पे सब्सिडरी बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सब के सब जो है ना वो बुक कीपिंग के अंदर आते हैं, जो अकाउंटिंग एक छोटा सा टुकड़ा है बस। अरे अकाउंटिंग को सुनो ना, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इनके बेसिस पे याद रखना, नो डाउट कि अकाउंटिंग का ये भी पार्ट है, मतलब अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, बट छोटा सा पार्ट, ये देखो इतना छोटा सा। इसके बाद और अकाउंटिंग क्या होता है मैं बताता हूं। इनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना आप सीख चुके होंगे पहले, या फिर सीखेंगे मेरे साथ, जिसमें कि आपका एक साल में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ जी वो समझाऊं, आपके एसेट्स कितने हैं, आपके लायबिलिटी कितना है, आपका कैपिटल कितना है, एंड में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर में, वो मैं आपको समझाऊं। ये अकाउंटिंग के अंदर कवर होता है। यही नहीं, इसके बाद इनका इंटरप्रिटेशन, मतलब जो आपने प्रॉफिट लॉस कमाया, जो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल के बैलेंसेज हैं वो कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा मार्केट में कम्पीट कर रहे हो, दूसरा कंपनी से कितना अच्छा कम्पीट कर रहे हो, कौन कंपनी अभी आपसे आगे जा रही है, कौन कंपनी आपसे पीछे जा रही है, जो कंपनी आगे जा रही है उसकी स्ट्रेटजी कौन सी अच्छी थी जो आपने फॉलो नहीं किया, आपको उससे आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना होगा। They all are part of accounting, thinking process, management actually, जहां पे हम प्लानिंग करते हैं, जहां पे हम सोचते हैं, जहां पे एनालिसिस करते हैं, जहां पे इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये बात है जो आपने स्ट्रेटजी में देखा ना कि यार ये कमियां हैं, ये दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये उनको इंटरप्रेट करना। जो लोग है ना आपकी कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर में ओनर है जी, शेयर होल्डर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको समझाना इनके बारे में, और इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से लाके कंपनी को टॉप पे पहुंचाना, और बताना कि हमारी इस अकाउंटिंग के चलते आज रिलायंस, रिलायंस से टाटा, टाटा, रिलायंस, टाटा, बिरला जो है उसको रिलायंस का मालिक अंबानी जो है उसने थोड़े इतना बड़ा कर दिया। अरे ये हम लोग होते हैं, ये हम वो प्रोफेशनल होते हैं जो उसके अंदर दिन रात काम करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर में, उनके मैनेजमेंट के अंदर में, उनके फाइनेंस के अंदर में, कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, कहाँ पे पैसे लगाऊँ, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट खराब है, कहाँ मनी का वेस्टेज हो रहा है उसको रोकना, कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, लोन लूँ कि पैसा ओनर से लूँ, लोन का पैसा कहाँ पे लगाऊँ, कब रिपेमेंट, इतनी सारी प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है जिसमें हमें एंट्री करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमारा लॉस मेकिंग है जिसको हटाना चाहिए, एम्प्लॉय को यहाँ पे लगाऊँ, खर्चे कहाँ पे ज़्यादा हो रहे, कहाँ कम, बहुत सारी बातें, ये सारी बातें अकाउंटिंग के अंदर आती है। तभी मैंने कहा था इसका कोई लिमिट नहीं है, ये एक समुद्र है मेरे बच्चे, माफ कीजिए, समुद्र तो इसके सामने छोटा सा वर्ड हो जाएगा, ये दुनिया, ये आसमान भी जो है ना उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जितने आगे जितना बढ़ोगे, जितना एक्सपर्टीज आपके अंदर आएगा, जितने बड़े होते चले जा रहे हो फाइनेंस के अंदर में, यानी कि सोचो कि उतना अकाउंटिंग आपका स्ट्रांग होते चला जा रहा है। मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया। तो जब मैं आज के बाद बोलूँ ना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो आर्ट बोलते ही मतलब आप खुश मत हो जाना कि आप आर्टिस्ट हो, आप तो अभी वो बच्चे हो जिसको कि ABCD भी अभी नहीं आता अकाउंटिंग का। बुरा नहीं मानना कि सर ऐसा कैसे बोल सकते, बट ये सच्चाई है। कभी आओ, कभी बैठो मेरे साथ, तब समझाता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है। बट एनीवे, मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, आपको इतना बेइज्जत करूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जरा पढ़ो ना, बुकलेट के अंदर में कहता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, पढ़ो ना, अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ो। तो वो इवेंट के बाद मैंने आपको यहाँ पर दिया है जी, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कहता है इट इज़ एन आर्ट। अब मत अपने भूल जाओ, धिकारो अपने आप को कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं बस अभी बुक कीपिंग के अंदर लिमिटेड हूं, अकाउंटिंग तो बहुत कुछ है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन अ मॉनेटरी टर्म। ठहर जाओ, क्या कहता है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन अ मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म में जो इवेंट या ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। एक्चुअली ये आपका रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको बोलूँ, ये हमारा जर्नल एंट्री या जो सब्सिडरी बुक होते हैं, हमने इसका नाम दिया था, आपको याद होगा थ्योरी में जर्नल एंट्री वाले में, प्राइमरी रिकॉर्डिंग आपका। और लेजर को हमने क्या बोला? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, है ना, रिकॉर्डिंग आपका बिजनेस के अंदर में। फिर क्लासिफाइंग, फिर आपने क्लासिफाई किया अगेन लेजर के अंदर में, मतलब राम की बातें राम में, मोहन की बातें मोहन में, सोन की बातें सोन में, सेल्स की बातें सेल्स में। तो ये क्लासिफाइंग हुआ, ये रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है। समराइजिंग, आपने इसको समराइज किया कहाँ जी? कुछ तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में जितने लेजर अकाउंट खोले थे उनका बैलेंसेज निकाला था ना, और इसमें आपने लिखा था इट वॉज योर समराइजिंग। और फिर इसके बाद क्या होता है जी? कुछ समराइजिंग यहाँ हुआ, कुछ हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो वहाँ पे क्या जी, हम एक्सपेंसेस इनकम को एक जगह रखेंगे। और बैलेंस शीट में जो आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, आपका कैपिटल कितना, वो हम यहाँ पे समराइज करते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट इन अ मॉनेटरी टर्म। ऑब्वियस बात है, मनी के टर्म में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मेरे बच्चे, ये आपका बिजनेस का लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश करते हो ना और इशारे करते हो ना, ऐसे ऐसे कर करके नहीं करते, तो वो ये भी एक लैंग्वेज है, बट अकाउंटिंग का लैंग्वेज है। इसमें हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग में, बट इतना ही अकाउंटिंग लिमिट नहीं है, आगे पढ़ना। इट ऑल्सो एनालाइजेज एंड इंटरप्रिटेट्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ये एनालिसिस भी करता है और उसको इंटरप्रेट भी करता है। मैंने बताया ना, एनालिसिस करना कि यार प्रॉफिट हुआ, सही गलत हुआ, पैसा कहाँ से लाऊं, कहाँ लेकर जाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ से पैसा रेज करना है, कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा खराब है, सब क्या एनालिसिस हो रहा है आपका। और एनालिसिस में आप पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, रेशियो एनालिसिस आएगा, कैश फ्लो आएगा, फंड फ्लो आएगा, कैपिटल बजटिंग आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, बजट बजटिंग आएगा, बहुत सारी बातें अभी होने वाली, बहुत सारी बातें होने वाली है। और उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि उस सही चीज को सही पर्सन के पास पहुंचाना, मैनेजमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उनके पास पहुंचाना, जो आपके शेयर होल्डर है वो क्या चाहते हैं उनको पास पहुंचाना, मतलब जितने लोग हैं उनके पास इंटरप्रेट करना। तो इट ऑल्सो एनालाइजेज, एंड इंटरप्रेट्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। क्लियर यहाँ पे। इसके बाद हो सकता है देखो कुछ मैंने दिया है जी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इन 1961 इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन आर्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब सारी बातें वही, पता ये मैंने क्यों दे दिया आपको, एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू आ जाए कि भैया ये जो आपका डेफिनेशन है ये पूरा डेफिनेशन देगा, वो किसने बताया था, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, किस साल में 1961 में। फिर आपका अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने आपका 1966 में उसी को अपने हिसाब से बताया, तो ये नाम आप याद कर लेंगे कहीं, है ना, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो जो ऊपर में बताया वही लिखिए काफ़ी है, आप चाहो तो उसके साथ कोई भी एक डेफिनेशन और डाल सकते किसी के मुताबिक, बट उतना काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट ये नाम और ये याद रखना, एमसीक्यू अगर आ गया तो इस पर बेस्ड आपका होगा। नाउ अगला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग क्यों करते हो आप। मैं बिना इसको पढ़े बगैर आपको बता सकता हूं कि अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव क्या है, बिना डाउट के एक तो हमारा रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को मैं सिंपली क्या बोलूं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब वही रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को, है ना, कि जर्नल बनाना, लेजर बनाना, नो डाउट कि सॉफ्टवेयर के अंदर में आप जब बड़े होंगे तो आप सीखेंगे उसके अंदर में कैसे होता है, बट यही बुक कीपिंग आपका है। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या होगा जी, रिकॉर्ड्स रखना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। इसके बाद टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, अरे रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग क्यों करता है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और मोटिव इज टू नो द प्रॉफिट और लॉस, वेदर वी हैव अर्न प्रॉफिट और सफर्ड अ लॉस, ये जानना, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा। यही नहीं, हमारे पास साल के एंड में, एक साल के बाद हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, हमारे पास कैपिटल कितना है, मतलब बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट से जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो भी क्या हमारा मोटिव होगा, है ना। यही नहीं, आपको जो मैनेजमेंट है उसको कुछ डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंटिंग देगा। अगर यहां से बातें पता चलेंगी कि भैया ये सेगमेंट आपका प्रॉफिट दे रहा है, वो सेगमेंट लॉस दे रहा है, तभी तो हम आगे कोई डिसीजन ले पाएंगे किस पे कितना काम करना, कहाँ नहीं करना। तो एक्चुअली आपको बताओ ना एक सिंपल शब्दों में, तो हमारे बॉडी में ब्लड है ना बच्चे, आप अपने मम्मी पापा या किसी से पूछना कि अगर ब्लड आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है ना तो बीपी हाई हो जाता है, और कम मतलब प्रेशर उसका, और कम तो बीपी लो हो जाता है। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर में, बिजनेस का जो ब्लड है वो मनी है, और मनी से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें ना, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग। पैसा कहाँ से लाना, कहाँ लगाना, कैसे रेज करना, किस प्रोजेक्ट में लगाना, कहाँ उसको रोकना है, कहाँ पे, मतलब सारी बातें अकाउंटिंग में आता है। तो बिना आपके तो डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता बिजनेस में। टाटा बिरला रिलायंस जो है, इनको किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, और बदकिस्मती है, मतलब एक्चुअली मैं क्या बताऊं, आप मेरी बात का अदरवाइज मीनिंग मत लेना। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं, इतना अकाउंट सीखते हैं, आप पता नहीं अभी बड़े होंगे क्या क्या पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, कॉस्टिंग पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, और इतने नॉलेज गेन करने के बाद हम किसी कंपनी में चले जाते हैं काम करने के लिए, हमारा एक्सपर्टीज, हमारी मेहनत वो ले लेते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अल्टीमेट गोल आपका जो होना चाहिए ना, चलो ठीक है 2, 4, 6, 10 साल नौकरी करूंगा, 3 साल, मतलब जबकि फाइनेंशियली मैं एस्टेब्लिश ना हो जाऊं, लेकिन मेरा अल्टीमेट टारगेट मेरा अपना बिजनेस होगा, मैं अपना अपने लिए अकाउंटिंग करूंगा, अपने लिए ब्रांडिंग करूंगा, ये आपका टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। खैर आइए ना मैं बात करता हूँ, पढ़ो जरा ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है। एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्ड करना, मतलब बुक कीपिंग मैंने लिख दिया, एग्जाम में आ जाए कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मींस डैश, तो हम क्या टिक मार्क करेंगे, बुक कीपिंग है ना, बुक कीपिंग है। एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन, कैसे जी, प्रॉफिट लॉस बना के, मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे। और बैलेंस शीट बना के हम क्या करते हैं, उनका फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ में कहता है असिस्टिंग, मतलब हेल्प करना, मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग मतलब किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए। कंट्रोल का मतलब होता है जहाँ पे कुछ वेस्टेज हो रहे हैं, कुछ बर्बादियाँ हो रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही है बिजनेस में, उसको कंट्रोल करने के लिए। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजट बनाना कि अब आगे हमें कितना खर्च करना है, कितना सेल करना है, कितना हमें पैसा चाहिए, और फिर फोरकास्ट करना कि अगर ऐसा होता है इस बजट पे काम करते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, उनके बारे में ये सब अकाउंटिंग करता है। ये सब करना, आप बुक कीपिंग मत करना मेरे बच्चे, ये सब काम करना जो कि अकाउंटिंग में कवर होता है। एंड टू नो द आपका सॉरी फिफ्थ पॉइंट आपका है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो भी मैंने अभी को बताया था इंटरप्रेट करना है ना, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए। अब देखो बिजनेस के अंदर में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो डिफरेंट पार्टीज को चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं मान लो मैं किसी कंपनी का ओनर हूं तो मुझे क्या जानना होगा, मेरा प्रॉफिट या लॉस। अगर मान लो एक सप्लायर है जो मेरे बिजनेस को आपका कुछ मटेरियल सप्लाई करना चाहता है तो वो देखना चाहेगा कि यार ये कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं। सॉल्वेंट का मतलब कि इसकी स्थिति अच्छी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी की स्थिति खराब हो गई और मेरा पैसा लेकर भाग जाएगा, तो वो जानना चाहेंगे। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो भी जानना चाहती है आपके कंपनी के बारे में, क्योंकि उनको टैक्स आपसे लेना है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाने हैं आपके लिए। तो मतलब बहुत लोग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो आपके जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग का उसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बातें पहुंचे, वो आपका इंश्योर करना है अकाउंटिंग करता है। एंड टू नो द सॉल्वेंसी पोजिशन, आपकी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, मतलब कितनी अच्छी स्थिति में है ना। अगर पता चलता है कि स्थिति खराब होते चली जा रही है तो जो आप जिसने कर्ज दिया था उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाओगे, उसका लोन का रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो आपका पोजीशन जानना चाहेंगे जी वो। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सब कौन, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन पर्पस है, वो हमें कौन देगा, अकाउंटिंग देगा, है ना बच्चे। तो आपका रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस, टू सर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन आपका डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा जी, टू हेल्प्स इन नोइंग द सॉल्वेंसी पोजीशन, आपका सॉल्वेंट कितने उसके बारे में जानना, बहुत सारे डिसीजन, कुछ पॉलिसीज बनाने हैं उसमें आपको जानना, तो बहुत सारी बातें हैं ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से आपको इसको पढ़ जाना अच्छी तरीके से। एग्जाम में अगर MCQ आता है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि इसमें से कोई 3 नाम दे दे और 4 नाम दे दे, और 4 में से जैसे कि बोला कि फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव हो अकाउंटिंग एक्सेप्ट 1, मतलब 4 में 3 ठीक है, 1 गलत है, तो पहला, दूसरा, तीसरा दे देगा, फोर्थ में कह देगा मस्ती करना। तो ऑब्जेक्टिव का काम, इसका ऑब्जेक्टिव मस्ती करना थोड़ा ही, आप उसमें टिक मार्क कर देना कि वो गलत है जी। आप समझ लो मेरी बात ना, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और बड़े क्वेश्चन आ जाए या फिर जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो तो फिर ये तो काफ़ी है, 2 से 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस देखो, ऑब्जेक्टिव मतलब हम उससे चाहते क्या है, हमारा पर्पस क्या है, किसी कंपनी में अगर अकाउंटिंग को हम करते तो क्यों करते, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। फंक्शन का मतलब कि इस अकाउंटिंग में हम करते क्या क्या है, मतलब मैंने जो बताया था ना कि एक जो अच्छा अकाउंटिंग करता है उसको देखा ना मैंने क्या क्या बताया, डिसीजंस लेना होता है जी, कंट्रोल करना होता है, पॉलिसी बनाना होता है, अकाउंटिंग भी करना होता है, एनालिसिस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, वो आपके फंक्शंस होंगे। मतलब जब आपको बहुत ज़बरदस्त अकाउंटिंग आपको आ गया तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। अगर टॉप लेवल के आप होते हैं तो देखो क्या क्या अकाउंटिंग में क्या करना होगा। पहला मेजरमेंट, ये मेजर करता है आपके पास परफॉर्मेंस को। ऑब्वियस बात है, जो हम लोग एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वो फ्यूचर को रिकॉर्ड नहीं करते, पास्ट में जो हुआ उसी को तो रिकॉर्ड करते हैं बच्चे। फ्यूचर में क्या होगा भी हमें पता नहीं है, तो पास्ट में जो रिकॉर्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करना, ये आपका इसका फंक्शन है। मेजरमेंट करना एक्चुअली मतलब रिकॉर्ड करना मतलब मेजर करना। इट मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड शो इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। पास्ट में क्या किया आपने और उसके चलते अभी आपका पोजीशन क्या है, मतलब आपके एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितना है, कितना प्रॉफिट क्या लॉस, वो आपको बताता है। मेजरमेंट करना क्या, मेजरमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस वो करंट पोजीशन को आपका मेजर करता है। क्लियर इसमें ये सर। दूसरा कहता है फोरकास्टिंग, ये जो आपका करंट पोजीशन निकाला गया इसके ऊपर बेस्ड अब आपको फोरकास्ट करना होगा मेरे बच्चे, मतलब फ्यूचर को एस्टिमेट करना होगा, ये करना होगा आपको। आप जब अकाउंटिंग करने जाओगे किसी कंपनी के अंदर में, हो सकता है कि आपका काम से फोरकास्टिंग करना हो, एक डिपार्टमेंट ने डेटा आपको दे दिया कि भैया ये सारे अकाउंट से अभी तक के, अब उसके चलते अगला साल कैसा होगा, अगले साल क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या दिक्कतें आएंगे, क्या आपके लिए बेनिफिट्स है, क्या आपके लिए वीकनेस है, सब आपको फोरकास्ट करना पड़ सकता है अगर आप एक अच्छे अकाउंटिंग के अंदर में जाते हैं तो फोरकास्टिंग हो गया। यही नहीं, डिसीजन मेकिंग, वो जो आपने फोरकास्ट किया कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा सुनो मेरी बात, मैं सारे फंक्शन को लेकर थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। मेरी कंपनी का, मैं बात कर रहा हूँ सीओसी एजुकेशन का, सीओसी एजुकेशन ने मान लो अभी तक सपोज कि आपका 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और हमारे पास इतने इतने एसेट्स हैं, तो अब जो मेरा अकाउंटिंग होगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं उस पर फोरकास्ट करूंगा कि यार अगर अभी तक बिजनेस इतना हुआ तो अगले साल मेरा बिजनेस कितना हो सकता है, मुझे अगले साल बिजनेस को आगे इतना नहीं, यहां करने के लिए मैं फोरकास्ट मतलब इतना करना चाहिए, लेकिन मुझे यहां नहीं इतना बढ़ाना है, तो इतने बढ़ाने के लिए मुझे और क्या मार्केटिंग करना है, मुझे और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे और कितने टीम की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं। ये डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें, हमें कंपनी को चलाना, हमें उनको ग्रोथ देना, हमें बढ़ाना है। कंपनी कभी भी आपकी अपनी हो, चाहे जिस कंपनी में आप काम करेंगे, कंपनी अगर ऐसे चल रही है तो समझो कि कंपनी खराब चल रही है मेरे बच्चे। कंपनी को यानी कि बिजनेस को हमेशा ऐसे बढ़ना चाहिए। जब बिजनेस आपका ये ग्रो कर रहा है ना कॉन्टिन्यूस, तो यानी कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो आपको डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं। इट हेल्प्स यूजर्स टू टेक रैशनल डिसीजन, मतलब जो आपने अभी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, जो फोरकास्ट किया, उसके हिसाब से आगे रैशनल मतलब सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। यही नहीं, कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन, आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा अकाउंटिंग के अंदर में, ये आपका फंक्शन होगा, ये काम होगा। पिछले साल क्या परफॉर्मेंस था, इस साल क्या है जी, हम कंपेयर करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे, मतलब उसमें देखेंगे क्या चीजें ठीक हुई, क्या चीजें खराब हुई, ये भी आपका फंक्शन होगा। कंट्रोल करना, जितने भी कंपनी के अंदर में वीकनेसेज हैं, कमियां हैं, उनको कंट्रोल करना, उसको दूर करना, ये भी आपका काम होगा। और मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपको मीट करना होगा कंपनी, जैसे आपको मैं बताऊं, आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे, आप अभी कितने जनरल लॉ पढ़ेंगे, आप कमर्शियल लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, वेजेस एक्ट पढ़ेंगे, कम बहुत सारे लॉज आपको पढ़ा के एक अच्छा प्रोफेशनल बनाया जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है। बिना लीगल कंप्लायंस को किए बगैर, बिना लॉ को जाने बगैर अगर आप कोई काम करते हो तो फिर काम खराब है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट है कि फैक्ट्री के अंदर में ये सेफ्टी मेजर होने चाहिए, तो अगर आपको लॉ नहीं पता तो फिर आप कैसे उस काम को करोगे जी, फिर तो आप फंस गए। समझे मेरी बात ना? हमारे कंट्री के अंदर नियम है कि अगर कोई शेयर्स मार्केट में आप इशू करते हो पब्लिक को, तो सेबी से पहले लिस्ट कराना पड़ेगा, ये लॉ है। आपने बिना लिस्ट कराए बगैर आपने क्या किया जी, शेयर्स इशू कर दिया, तो ये तो आपने लॉ को तोड़ा। तो लीगल कंप्लायंस भी आपको करना होगा, ये भी फंक्शंस के अंदर आपका आएगा। तो फंक्शन कोई पूछ दे, मेजरमेंट हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन हो गया, कंट्रोल एंड मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन टैक्सेशन को आपका देखना। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। लो, अब वो वर्ड जो हमने पहले बीच में यूज कर लिया था आपको दुत्कारने के लिए, मतलब आपको गंदा फील कराने के लिए, बुक कीपिंग, वो अगला वर्ड आ गया। और मैं इसमें क्या पढ़ाऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि बुक कीपिंग पढ़ाऊं तो क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप में से कोई बच्चा बुक कीपिंग के अंदर में जिंदगी व्यक्त करे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो सारे प्रोफेशन बहुत अच्छे होते, सारे जॉब अच्छे होते, लेकिन जिस स्टेज पे आप हो ना, उस स्टेज पे छोटे सपने क्यों देखूं मैं, क्यों बुक कीपिंग में अपनी जिंदगी को गुजारूंगा, क्यों ना मैं अकाउंटिंग के जो एडवांस वर्जन है उसके अंदर में एंट्री करेंगे। बट एनीवे, आइए मैं थोड़ा सा आपको जोश दिलाने के लिए मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता हूं। जब भी मैं आज के बाद आपको अकाउंटिंग बोलूं, चाहे कहीं पे अकाउंटिंग देखे, तो आप समझ लेना अकाउंटिंग मतलब कि पूरे कंपनी को संभालना, पूरे कंपनी के फाइनेंस को संभालना, पूरा जो जो वर्क आपको करना पड़ सकता है, जिसका मैंने आपसे डिस्कशन किया फंक्शन के अंदर में, दे ऑल आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है जी, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है और कुछ नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है। अगर आपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर किसी कंपनी में जॉब पाया आप, तो आप किसी कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से बन ठन के जाएंगे, टाई पहन के, शर्ट पैंट, पता नहीं अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के, और जाके एक टेबल पर बैठ जाएंगे, वो पियून आपके पास आएगा और वो खूब सारे फाइल आपको दे देगा, आप उसका एंट्री करना शुरू करेंगे, करते 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 शाम हो जाएगी और वो सारे फाइल खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपने टाई को ठीक करेंगे, थोड़ा सा स्माइल पास करेंगे, घर चले जाएंगे, फिर कल आप आएंगे, फिर आते ही अकाउंटेंट क्या करेगा, सॉरी माफ कीजिए, पियून क्या करेगा, आपको चाय कॉफी भी देगा, बिलीव करो पानी भी पिलाएगा, और इतने सारे फाइल फिर से देके चला जाएगा, फिर आपने एंट्री करना शुरू किया। ये करते करते आप कब बुढ़े हो जाओगे, कब इस दुनिया से चले जाओगे और कब अगला जन्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपका बुक कीपिंग है मेरे बच्चे। अकाउंटिंग पे आते हैं, अकाउंटिंग अगर थोड़ा इससे ऊपर के लेवल पे गए तो जो मेहनत आपने किया था ना ट्रायल बैलेंस तक का, ये सारा कुछ क्या होगा, एक बड़ा जो इंसान है, बड़ा अकाउंटेंट, मतलब जो सीए सीएमए सीएस एमबीए वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग आप लोग, तो वहां पे क्या होगा वो अब आपके पास आएगा। जनरली देखा गया है कि कंपनी के टॉप पोजीशन जो होते हैं, फाइनेंस का जो फील्ड होता है, वो 4 लोगों के लिए आपका रख दिया गया है, सीए सीएमए सीएस और एमबीए, वो भी जो टॉप क्लास से एमबीए करते हैं। बाकी वो लोगों की बात नहीं कर रहा, वो फिक्स्ड है कि ये फाइनेंस वाले मतलब यही लोग होंगे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके लाइफ को आपने छोड़ दिया तो फिर ऐसा आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट वो आप बड़े फील्ड में नहीं जा सकते, बड़ी कंपनी में नहीं जा सकते। आज के टाइम पे मेरे बच्चे जितनी ब्रांडेड कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि अगर आपको हमारे अकाउंटिंग में आना है, फाइनेंस में आना है, मैनेजमेंट में एक्चुअली अगर आना है तो आपके पास ये डिग्री तो होनी चाहिए। और अगर आपने एमबीए किया है तो आपको एमबीए तो कम से कम भी तो आईएम एफएमएस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहां से आपको करना होगा। बाकी ऐरे गरे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, वहां का तो कोई पूछता ही नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपका डिग्री जो आपका है वो बड़े जगह पहुंचे, तब आप अकाउंटिंग के अगले पार्ट में आएंगे। मैं अगले पड़ाव की बात करता हूँ। ये जो आदमी जो अकाउंट्स मेंटेन किया था वो अब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये जो इंसान है ना, यानी कि आप जो हो वो क्या करोगे जी, आप उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाओगे, आप उसको उसका एनालिसिस करोगे, आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, आप उसको इवेल्युएट करोगे। जितने भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, गवर्नमेंट है, आपका टैक्सेशन अथॉरिटी है, आपका शेयर होल्डर है मतलब मालिक है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके लायबिलिटी वाले हैं, आपके इंप्लॉयज हैं, मैनेजमेंट है, सबके पास पहुंचाना, ये सब काम अकाउंटिंग के अंदर में आएगा। तो मेरे बच्चे बुक कीपिंग, अगर मैं कह दूं ना कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग तो गलत नहीं होगा, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग गलत नहीं होगा। बट अकाउंटिंग क्या है, इट्स वेरी वास्ट। आपका ये बुक कीपिंग जो होता है ना, बुक कीपिंग जो होता है ये आपका क्या होता है जी, ये आपका शुरुआत होता है, आपका फर्स्ट स्टेप है, मतलब पहला आपका काम है। लेकिन इसके बेसिस पे हाँ, ये जो अकाउंटिंग करोगे ना आप, वो इसी के बेसिस पे तो करोगे, इन्फॉर्मेशन यहीं से तो आपके पास आएगा। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन आता है उससे हम क्या करते हैं, अब अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं, हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है, हम अकाउंटिंग का काम करना शुरू करते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर? तो मेरे बच्चे जितने डिसीजंस लेने हैं, जितना इवेल्यूशन करना, सब इसी के बेसिस पे तो होगा। पता है ये एक छोटा सा फील्ड है, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। किसकी बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग का। एक्चुअली मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, और मैं नहीं चाहता कि आपको बुक से कुछ भी पढ़ाऊं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं अकाउंटिंग के सब फील्ड क्या है, सब फील्ड्स, मतलब अकाउंटिंग के कितने टुकड़े हैं। पता है अकाउंटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ध्यान से मेरी बात सुनना। सर हम लिख ले, नहीं लिखना, आपको मेरी बात सुनना, बस नींद मत आने देना। नींद आ गया ना बच्चे तो श्राप देता हूं कि जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी, और श्राप देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी क्योंकि अल्टीमेटली खराब हो ही जानी है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज, सारे थ्योरी इन्हीं से बनना है। अगर आप सुन लिए तो ठीक, अदरवाइज आपकी मर्जी। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 आपके मेन है। ऐसे तो एक और भी फील्ड आता है, कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली 4, मतलब ऐसे मेनली 3 होते हैं, बट कुछ बुक्स में 4 दे रहते हैं, तो आप अपना स्टडी मटेरियल देख लेना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली इसी को बोलते हैं कि भैया अकाउंट्स बनाना, थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ गए तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस इससे भी बना लिया, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है जी कि कॉस्टिंग होता है, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मार्केट में कितने में बिके, इसकी प्राइस कितनी रखनी है, प्राइस ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, इसका जो कॉस्ट लग रहा है वो कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, इट्स वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअल कितना होना चाहिए, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उससे कम्पीट करते हुए और भी बेस्ट क्वालिटी कैसे कर दे सकते हैं कम से कम रेट में, क्योंकि मार्केट में कम्पीट करना है। दे ऑल कवर्ड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो आगे जो बात कर रहा हूँ ना, प्लानिंग का, मैनेजमेंट का, वो आपका एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ये जो फील्ड है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं भैया, इसमें जनरली सीए वाले होते हैं, यहाँ पे जनरली सीएमए वाले लोग होते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में सीए सीएमए सभी लोग होते हैं, सभी इसके अंदर में कवर्ड होते हैं, सीए सीएमए सीएस, क्योंकि वो मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो जितना जबरदस्त तरीके से सोच सकता है, प्लान कर सकता है, सबको यहाँ पे हम लोग डालते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर में कहते हैं कि भैया जो आपका ह्यूमन रिसोर्स के मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोग जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उन पे ट्रेनिंग पे काम करना, बहुत सारे एफर्ट वो भी अकाउंटिंग के अंदर में कवर होता है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देख लेना, अगर आपके 3 है तो 3 सब फील्ड कहे जाएंगे, 4 तो 4 कहे जाएंगे, वो जो भी एक जनरल आपका रिकॉर्डिंग है तो आप उसको उसके हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है ना मेरे कहने का मतलब। तो ये हमारे पास सब फील्ड ऑफ अकाउंट मेनली 3 होते हैं, किसी किसी ने चौथा दे दिया, अदरवाइज 3 ही आप लेके चलते दिमाग में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, पता है मैं कहाँ से कहाँ चला गया, मुझे थोड़ा सा समराइज करने दो अपने आप को। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इट्स बेसिकली द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस अप टू द ट्रायल्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अगर कोई बोले कि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो तो कहना कि बुक कीपिंग छोटा सा पार्ट है, इट्स वेरी वास्ट। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, मतलब बुक कीपिंग अपने में एक फील्ड है बस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग के फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर आपके बुक में है तो बहुत सारे पार्ट्स उनके हैं, है ना बच्चे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई डाउट इसके अंदर में। बुक कीपिंग एक नैरो है, मतलब छोटा सा चीज है, ये बहुत वास्ट है आपका। बुक कीपिंग आपका बेस देता है इसकी अकाउंटिंग, इस काम को करने के लिए, मतलब अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने, क्या बोलते हैं आपका अकाउंटिंग करने के लिए ये सब काम जो है वो उनके लिए एक बेस देता है आपको। यहाँ पे तो आओ ना मैं थोड़ा सा आपको पढ़ दूं फिर समझा दूं, पढ़ेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे अपने बुकलेट के अंदर में। बुक कीपिंग एज डिफाइंड बाय कार्टर, ये नाम हो सकता है, ये नाम पता है क्यों मैं देता हूँ, डेफिनेशन आ जाए या फिर आ जाइए कि ये डेफिनेशन बताओ किसने दिया, तो कार्टर नाम आपको पता होना चाहिए। बुक कीपिंग एज इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर मनी और मनी वर्थ। ध्यान से, बुक कीपिंग इज द साइंस, साइंस क्यों बोला गया? साइंस का मतलब कोई भी काम जब सिस्टमेटिक वे में आप करते हो ना तो उसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस का मतलब वही नहीं कि H2O मिलाया तो वाटर बन गया, दैट इज नॉट ओनली साइंस। साइंस मतलब सिस्टमेटिक वे में, हमारे कॉमर्स के अंदर में साइंस का मतलब सिस्टमेटिक काम होता है। तो आप जर्नल एंट्री में भी एक सिस्टमेटिक वे में करते हो, लेजर भी एक सिस्टम में बनाते हो ना, इसलिए कहा गया कि इज ए साइंस ऑफ आर्ट ऑफ क्या करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में रिकॉर्डिंग, करेक्टली रिकॉर्डिंग, सिर्फ रिकॉर्डिंग तक की बात कर रहा है। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, या तो पैसा ट्रांसफर करना या पैसे के वैल्यू का कुछ ट्रांसफर करना, है ना, गुड्स ट्रांसफर करना, मशीन ट्रांसफर करना, कुछ भी, उसको हम आपका यहाँ पे बुक कीपिंग कहते हैं। पढ़ो ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस, जिस ऑर्डर में वो हो रहा है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट इज बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कहता है कि अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है, पहला फंक्शन आपका। इन इट प्रॉपर अकाउंट्स आप प्रिपेयर, बस सब अकाउंट्स बनाते हो, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। फिर आपका बुक कीपिंग इज ए मैकेनिकल टास्क विच, बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है जी? तो एक तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट कहाँ से करेंगे? वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, वाउचर हो गए, कैश मेमो हो गए, ये हो गया। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विद फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आया उसमें कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर का है उसको आपको आइडेंटिफाई करना। एंड मेजरमेंट, उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई आपने 5 केजी सामान लिया तो 5 केजी का मनी में वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन को मनी में रिकॉर्ड करना है। फिर अगला है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस, जिस ऑर्डर में वो अकर हुआ, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको रिकॉर्ड करना। फिर क्लासिफाई करना, क्लासिफाई कहाँ करते हैं? हम लेजर में करते हैं। और प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस, मतलब बस ट्रायल बैलेंस तक बोला था ना मैंने आपको, तो बस यहीं पे आके रुक जाता है मेरे बच्चे। तो आपको बुक कीपिंग में इतनी बातें आपको बताने पड़ेंगे, बुक कीपिंग में क्या क्या करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, फिर जर्नल एंट्री, लेजर काउंट, ये सब काम करना, वो बात आप बताएंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का जब ऑब्जेक्टिव होगा तो अकाउंटिंग का थोड़ा सा पार्ट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती है। कभी रहा देखो ना, दो ही तो ऑब्जेक्टिव है, एक तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, और दूसरा एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पे उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ उसको एसरटेन करना, मतलब ट्रायल बैलेंस तक, हर एक पे क्या इम्पैक्ट हुआ, कितना बच गया, वहां तक काम करना। जब भी बुक कीपिंग बोलूंगा आपका दिमाग बोले ट्रायल बैलेंस तक, आपके दायरा लिमिट उसके आगे नहीं है। अब आज और डिस्टिंक्शन आ गए हम लोग, मतलब डिफरेंसेज क्या है जी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर में, है ना। ये सब आपको नॉलेज रखना पड़ेगा मेरे बच्चे। और एक्चुअली मैं बता दूं कि ये डिफरेंसेज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, विश्वास नहीं तो आप देख लो ना मेरे साथ। बुक कीपिंग क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड, बार बार रिकॉर्डिंग तक आके रुक जाएगा। और अकाउंटिंग कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको समराइज करना प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में और आगे काम करना सब। बुक कीपिंग कहता है इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग, जो मेन अकाउंटिंग है जहां पे मैं आपको बोल रहा हूं जाने के लिए उसका बेस देता है कि इसी के बेसिस पे तो काम करेंगे। और अकाउंटिंग को क्या जी एक लैंग्वेज कहते हैं, यहाँ पे आपका इसी लैंग्वेज से हम अपने शेयर होल्डर को, अपने जो मैनेजमेंट है सबको चीजें बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में। थर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे बुक कीपिंग में नहीं आएगा क्योंकि बुक कीपिंग तो यहीं पे खत्म हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट बनेगा आपका, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को बनाना। आप जानते हैं कैसे बनाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं अभी आगे सिखाऊंगा आपको, आगे चैप्टर्स आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो ये जो आपका थर्ड कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट बुक कीपिंग में, बट वहाँ कहता है कि आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, मतलब वहाँ पे उसका पार्ट होता है। बुक कीपिंग में फोर्थ कहता है कि मैनेजरियल डिसीजंस आर नॉट टेकन, ले भी नहीं सकते हैं मेरे बच्चे, इनके बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ओनली अ रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड पे क्या डिसीजन लेंगे, डिसीजन यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ मतलब क्या, अकाउंटिंग के अंदर में। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, बैलेंस शीट बनाया, कैश फ्लो बनाया, रेशियो एनालिसिस किया, बहुत सारी चीजें करेंगे, फिर आप वहां से उन पे बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। और बुक कीपिंग में कहता है पांचवी में देयर इज नो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसका कोई पार्ट नहीं है। बुक कीपिंग अपने में एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन वहाँ अकाउंटिंग में कहता है कि सब फील्ड है, क्या जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, एक्सेट्रा। इसलिए लिख दिया मेरे बच्चे क्योंकि आप अपने बुकलेट में देख लेना, अपने जो बुक है आपका जो इंस्टीट्यूट का, कि अगर वो कहते हैं कि तीन सब फील्ड तो तीन ही है, मेनली एक्चुअली तीन है, किसी ने चौथा नाम दे दिया है, तो चौथा नाम अगर आपके बुकलेट में होगा तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देख लेना, अदरवाइज तीन ही मैंने एग्जाम में लिखना होता है, बार बार कह रहा हूँ। एंड सिक्स में कहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी नोन, ऑब्वियस बात है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बनता ही नहीं तो हम पोजीशन से कैसे पता कर पाएंगे, वो तो आपका अकाउंटिंग से ही सिर्फ पता चलेगा। तो एग्जाम में या तो इस पर एमसीक्यू आ गया कि भैया बताओ कौन सा इसमें सही है, तो आपको देखना है कि बुक कीपिंग में पूछ रहे हैं अकाउंटिंग, मैंने ऐसे एमसीक्यू आगे आपके लिए रखा हुआ है, उसका डिस्कशन करेंगे। बट एनीवे, हो कितना चिल्लाऊं जरा बताओ, कितना चिल्लाऊं, चलो कोई बात नहीं। एक और भी आजकल आपके बुकलेट में थ्योरी है अकाउंटिंग साइकिल लेकर। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, तो साइकिल मतलब पूरा साइकिल मत समझना, साइकिल मतलब उसका टायर समझना, मतलब चक्का, एक्चुअली टायर नहीं उसका चक्का, कि चक्का घूमते घूमते जो एक जगह आया ना, ऐसे होता है ना बच्चे, आप पैडल मारते हो तो यहाँ से शुरू हुआ, फिर चक्का घूम के यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे, मतलब एक पूरा साइकिल, दिस इज कॉल्ड साइकिल, नॉट वो हैंडल वाला साइकिल। तो क्या करना होगा इसमें, क्या करना होगा जी, तो कहता है आपका जो स्टेप्स है अकाउंटिंग साइकिल में या फेजेस कह देगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, फिर कहता है कि जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, एडजस्टमेंट एंट्री करना, फिर ट्रायल बैलेंस और सही करना, फिर क्लोजिंग एंट्री आता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, और इसके बाद आपका होता है एनालिसिस आपका, है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये चीज जो है ना, एक मिनट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी लिखना अगर आपके बुक में ना हो तो। मतलब अकाउंटिंग में क्या होगा, एक तो आपका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जिसके बाद आप जर्नल एंट्री करते हो, रिकॉर्डिंग मतलब वो इनवॉइस कैश मो बिल के अंदर में, फिर उसको लेके आना जी, फिर ये एक्चुअली जो रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री में जर्नल भी आ गया, सब्सिडरी बुक भी आ गया, मैंने आपको बताया हुआ है, लेजर फिर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस में कुछ गलतियां कमियां निकल जाएंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करेंगे, वो कैसे होगा आप रियल लाइफ में सीखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करके सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कुछ क्लोजिंग एंट्री होता है जो अभी हमें जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें देखना होता है, वो हम फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखेंगे, वो भी करना होता है, फिर आपको बनाना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, और उसके बाद उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। बुक कीपिंग कहाँ पे खत्म हो गया था, बस ट्रायल बैलेंस तक, बट इसमें बहुत सारी बातें, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। लो वो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग आ गया। और ये एक्चुअली सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तीन आपके होते हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं और मैं थोड़ा आपको झकझोरूं, मतलब आपको जगाने की कोशिश करूं, आपकी आत्मा को जगाने की कोशिश करूं कि आप बड़े सपना देखना शुरू करो। नहीं बड़े सपने देखेंगे मजा नहीं है मेरे बच्चे, लाइफ में नहीं मजा है। मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट मेरे साथ कई सारे मेरे दोस्त थे जो मुझसे पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन सपने उनके छोटे थे। तो आज जो है ना वो आज वो बड़े नहीं हो पाए, मतलब दुख होता है। लेकिन सपने जब ऐसा नहीं कि मेरे बहुत बड़े, मतलब मैं बहुत ऊंचा हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ा सा अच्छा हूं। और मुझसे भी बड़े बड़े लोग हैं, मेरे दोस्त निकले आगे जो कि मुझसे भी बड़ा सपना देखे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप में से तो हर एक बच्चा, जितने मेरे बच्चे हैं, बड़ा ख्वाब देखो, बड़े सपने देखो। और जब बड़े सपने देखते हैं ना बच्चे, तो या तो वो मिलेगा बड़ा वाला, या थोड़ा सा छोटा मिलेगा, थोड़ा सा और छोटा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन सपने ही मेरे छोटे होंगे तो फिर ये कहां से मैं पाऊंगा। सपने बड़े देखो लाइफ में। मतलब मैं आपको बता दूं सच्चाई एक बात, पढ़ाई की बात छोड़ता हूं मैं। अगर आपकी जिंदगी जब तक है, आप जितने साल तक जिंदा हो, पता नहीं कितने साल तक, मुझे भी नहीं पता, बट जितने साल तक आप जिंदा हो, तब तक एक एक पल जो होगा ना लाइफ का, एक एक पल, उसमें मैं कम से कम रिग्रेट ना करूं कि यार मैं जिंदा रहा 80 साल 90 साल या 60 साल या 70 साल और मैं कुछ पाया नहीं, मैं गरीबी में रहा, या फिर मेरे सपने ये थे मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। ये नहीं होना चाहिए। कुछ बदमाश लोग हैं मार्केट में जो आपको सिखाएंगे क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, रोते हुए आए थे, सॉरी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ऐसे लोगों को तो आप देखना, और कुछ अगर डंडा कहीं मिल जाए ना, पत्थर मिल जाए बड़ा सा, एक्चुअली बहुत बड़ा, उनके ऊपर फेंकना और भाग जाना वहां से। वो इतने गंदे इंसान हैं, इतने गंदे इंसान हैं। आपको वो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ो, वो चाहते हैं कि जो भी कुछ आपके पास है ना उनको दे दो और वो मस्ती करे, लेकिन आप कुछ ना, बस उनके पास आके प्रवचन सुनते रहो। गंदा लगता है अगर कोई इंसान ऐसी जगह पे या ऐसी बातों को सुन के टाइम में बात करता है। आपको नहीं करना। अरे हमें तो सब कुछ पाना है। अगर मेरी जिंदगी है तो जब तक रहेगी मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ पाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अरे क्यों मैं सपने, क्यों वो बंदा सामने वाला गाड़ी लेके घूमेगा, मैं साइकिल या मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, क्यों वो बड़ी गाड़ी पे जाएगा, क्यों मैं छोटी गाड़ी पे जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर में दुर्भावना है, आपके अंदर में जलन है, नहीं, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा टॉप पे रहूंगा, मुझे ऊपर रहना है, मुझे नीचे नहीं रहना, ये फीलिंग्स अंदर होनी चाहिए। बड़े सपने देखो, बड़ा तभी बात बनती है। और मैं चाहूंगा कि आपका बड़ा सपना अकाउंटिंग जाए। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैं बुक कीपिंग पे विश्वास नहीं करता, तो देखो ना यहाँ पे क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली इट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो आपका बुक कीपिंग हो गया, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो भी मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, नो डाउट। बुक कीपिंग से ये मत सोचना कि बुक कीपिंग पूरा पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नहीं, बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, बट इसमें फिर आपका वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाना, सब कुछ इसके अंदर में कवर्ड होता है, ठीक है ना। मतलब फाइनेंस को, बस फाइनेंस की अकाउंटिंग करना, फाइनेंस की अकाउंटिंग करना, उसका कैश फ्लो बनाना, आपका रेशियो बनाना, सब कुछ बनाना, आप बनाओ ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आओगे। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं तो कॉस्ट पे कंट्रोल करना, रिसोर्सेज के यूज को मैक्सिमाइज करना, अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्वालिटी को बेहतर करना, जितने भी आपके कॉस्ट जहां जहां लगते हैं वहां पे पूरा प्रॉपर कंट्रोल रखना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना कि भैया कहीं, क्योंकि बिजनेस दो ही तरीके से आगे बढ़ता है मेरे बच्चे, या तो सेल्स को बढ़ाकर या फिर अपने खर्चों को कंट्रोल करके। इन दो में से कोई एक होगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। सेल्स भी बढ़े और खर्चे भी हमारे कम हो, दोनों, तब जाके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तब कंपनी का ग्रोथ होता है। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कवर होगा। हमारे प्रोडक्ट कितने के हों, हम लोग प्रोडक्ट को कैसे निकाले, कब कौन सा इंसेंटिव निकाले, क्या ये सामान, मान लो कोई ऑर्डर आपको मिल गया जी 5 लाख रुपीज का, क्या मैं 5 लाख रुपीज का ऑर्डर, ऐसे तो 6 लाख का है लेकिन 5 लाख का ऑर्डर आ गया, मैं उसको लू कि ना लू, छोड़ दूं क्या? या फिर एक कस्टमर हमारे दुकान में आया, सामान 100 रुपए का, वो कहता है कि मैं आपको 98 रुपीज दूंगा, मैं उसको सामान बेचूं कि ना बेचूं? ये सारी बातें कॉस्टिंग में डिसाइड होती है। हम लोग सिखाएंगे अभी, जब आप जब मैं तो अकाउंट्स पढ़ाऊंगा एक्चुअली आपको, जब आप बड़े और हो जाएंगे तो आपके कॉस्टिंग वाले प्यारे प्यारे सर जो होंगे वो सारी बातें सिखाएंगे। कॉस्टिंग में बहुत कुछ होता है, तो वो चीज़ें अभी आएंगी। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, माइंड वहाँ पे जबरदस्त यूज होता है। एक बस वाला आपका क्या बोलते हैं जी, अगर यहाँ से वहाँ तक जाए तो कितना रुपया उसका चार्ज ले, एक सामान जो हम बेच रहे हैं वो कितने का हो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना, मतलब बहुत सारी बातें होंगी, हम सीखेंगे उसके अंदर में। एंड द थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं तो कहता हूँ यार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी मस्ट फील्ड क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है, यहाँ पे टीम, अगर आप जो जिस कंपनी के अंदर होंगे उसका आगे का फ्यूचर का सारा कुछ आप डिसाइड करोगे। समझ मेरी बात ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स की सारी बातें रिकॉर्ड करना, सारी बातें, सब कुछ करना, जर्नल एंट्री, लेजर ट्रैवल, सब किया है क्या? फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बना लिया जी आपने, रेशियो भी निकाल दिया, आप ही निकालो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में, तो रेशियो भी निकाल दो, कैश फ्लो बना लिया, सब कुछ बना लिया। लेकिन बनाने के बाद डिसीजन जब लेना उसके ऊपर ना, उसमें फोरकास्ट जो करना है, उसका इवेल्युएशन जो करना है, वो आप नहीं करोगे, वो कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले लोग करेंगे। तो मजा बताओ ना कहाँ पे है, वो रिकॉर्डिंग में है कि मैनेजमेंट के अंदर है? ऑब्वियस बात है मैनेजमेंट, तो वहां जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा जी, वो सारा कॉस्ट बता देगा, ये कॉस्ट रखना है, यहाँ कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पे आपका कम है, इसको इस पे बेचना चाहिए, इस पे ये करना चाहिए, यहाँ तक बात कर लेगा। लेकिन कितने पे करूं, कैसे कंट्रोल करूं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइड करेगा। पढ़ो ना मेरे साथ। तो पहला कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच कह दे, सब फील्ड कह दे, मीनिंग सेम है, ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट समराइज एंड इंटरप्रेट्स देम एंड कम्युनिकेट्स द रिजल्ट टू द यूजर्स। इट एज सर्टेन रिजल्ट्स, यानी कि प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। इस नाम को याद कर लेना, हो सकता है कि आ जाए। स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टिक मार्क करना होगा या राइट ए शॉर्ट नोट्स इसी के बारे में लिखना होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट एजर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग प्राइसेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल अकाउंटिंग। इसको कंट्रोल अकाउंटिंग भी कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है कि इट इज कंसर्न विथ जेनेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो ये बातें मैंने आपको बताई, और आपको मेरी बात कोई बुरी लग गई हो ना, कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि बड़े सपने देखो, क्यों देखो जी? मैं नहीं देखना, मैं बोलता हूँ कि आप ईर्ष्या किसी से मत करो, दुश्मनी नहीं करना, कंपटीशन करना है। आपको बुरी लग गई, क्यों मैं करूँ? नहीं करूँगा। मैंने कहा कि आपको बड़ा इंसान बनना है, सारे सपने पूरा करना है। आप बोलते हो क्यों करूँगा जी, मैं तो क्या खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊँगा। मरने के बाद 2 मीटर कफन, कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बातें अच्छी लगती है, तो जाओ ना, करो ना, मेरा क्या जाता है। मैंने तो कसम खाया हुआ है कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैं आगे ही सोचूंगा और लाइफ को रोकूंगा नहीं, और ऐसे लोगों को तो मैं अपने ज़िंदगी के सामने भटकने भी नहीं देता। एक निर्मल बाबा का, पता नहीं आजकल आप नाम सुनते हो कि नहीं सुनते हो, हमारे टाइम पे आज से मतलब 2-3 साल पहले हुआ करते थे, वो चटनी खिलाते थे कि अगर आपको कोई दुख है, अगर आप एग्जाम पास नहीं कर रहे हो, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो पूछते थे कि चटनी कौन सा खाते हो, हरी वाली या लाल वाली? आप कहते थे लाल वाली, ना ना हरी वाली खाओ, भगवान की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो किस ब्रांड का आप शराब पीते हो, उस पर भगवान की कृपा देते हैं। अरे यार क्या लोग हैं यार, और वो लोग कुछ नहीं है, हम लोग कैसे हैं जो उनके सामने जाके उनकी बातों को सुनते हैं, और इतने सारे पैसे देकर 2-2 हजार रुपये उनको हम देते हैं इस बात को सुनने के लिए। हमारे देश का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये लोग जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए, और ये लोग तभी ख़त्म होंगे जब एजुकेशन फैलेगा। और लोगों को एजुकेट कौन करेगा? मैं करूँगा, आप करोगे, दुनिया को करोगे। छोड़ो, मैं मुद्दे पे आता हूँ। नाउ अगला टॉपिक आपका है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखिए मेरे साथ थोड़ा सा रजिस्टर में, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है इसके बारे में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के क्या बेसिस है, क्या मतलब किस बेस पे अकाउंटिंग करते हैं मेरे बच्चे? तीन तरीका, एक है आपका एक्रूअल बेसिस, लिखेंगे आप मेरे साथ साथ क्योंकि इसमें मैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। एक होता है कैश बेसिस, है ना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, और एक नाम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तीन तरीके का चलन है, तीन तरीके के अकाउंटिंग आज के टाइम पे हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है। अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस जो आप जानते हैं, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है जी, अकाउंटिंग ऑन मर्केंटाइल बेसिस, इसको हम मर्केंटाइल भी कहते हैं, है ना, मर्केंटाइल बेसिस, इसको ड्यू बेसिस भी कहते हैं, ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, मतलब एक्सपेंसेज इनकम जो करंट ईयर के हैं उनको आप रिकॉर्ड कीजिए, पे हुआ चाहे पे नहीं हुआ, और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है। कैश बेसिस क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। आप लिखिए मेरे साथ एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। कहता है कि कैश सेल्स, लिखेंगे साथ साथ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का कैश सेल्स हुआ, और कहता है क्रेडिट सेल्स, ये कहता है आपका 3 लाख रुपए। कहता है कि कैश परचेजेज, कैश परचेजेज कहता है 2,80,000 एंड क्रेडिट परचेज 3,20,000। बोलता है कि कैलकुलेट, साथ साथ देखेंगे आप, मैं इस पर अच्छे से क्वेश्चन बनाऊंगा, एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट नंबर 1 बेस्ड ऑन, सॉरी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कर दो, लॉस भी आ सकता है, बेस्ड ऑन नंबर 1 एक्रूअल बेसिस, है ना, एक्रूअल बेसिस जिस पे हमने आज तक अकाउंटिंग सीखा है और पूरी अकाउंटिंग हम इसी पे सीखेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है बहुत कम लोग आज के टाइम पे फॉलो करते हैं, फिर भी हम देख लेंगे इसको। और तीसरा आपका हाइब्रिड जो है उसको मैं अलग से बता दूंगा या फिर मैं दे देता हूँ, 3rd में आप यहाँ लिखिए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो तीनों के बेसिस पे हम निकालते हैं। आओ ना पहले मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन के अंदर में लिख लिया आपने कैश सेल्स 5 लाख है, आपका क्रेडिट सेल्स कहता है कि 3 लाख है, कैश परचेज आपका 280 है, क्रेडिट परचेज 320। यहाँ पे प्रॉफिट निकालना एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, हाइब्रिड सिस्टम अकाउंटिंग। तो पहले हम आते हैं आपका नंबर 1 एक्रूअल बेसिस पे। आप जानते हैं एक्रूअल बेसिस, है ना, हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे आपका जो टोटल सेल्स होगा इसमें हम क्या लेंगे, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, मतलब पैसा आया चाहे नहीं आया हमें मतलब नहीं, हमने सेल कर दिया, हम सबको सेल्स मानते हैं। तो कैश सेल्स कहता है कि 5 लाख है और क्रेडिट सेल्स कहता है कि 3 लाख है, तो टोटल कितना आपका हो गया 8 लाख रुपीज का अमाउंट। फिर आप इसमें टोटल परचेजेज को माइनस करते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। कैश परचेज कितना हमारा 280 और क्रेडिट परचेज कितना है 320, तो कितना हो गया 6 लाख का अमाउंट। हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया, हमने प्रॉफिट कमाया है जी कितना 2 लाख का अमाउंट। ये हमारा एक्रूअल बेसिस है, मतलब एक साल में जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ, चाहे आपने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट नहीं किया हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने सेल कर दिया तो हम दिखाएंगे। सर मान लो पैसा रिसीव नहीं हुआ तो हम उसको दिखाते हैं, आगे आपने पढ़ा होगा बैड डेट्स लिख देना, वो आगे कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल अभी आप टोटल दिखाएंगे, सिंपल बातें। ये हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। सेकेंड में आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल सेल्स है वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ कैश पे, मतलब जितना कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, जितना सेल से कैश आया। तो एक तो ये हमारे पास आया 5, इसमें से कुछ कैश आया है क्या, मतलब जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो अगर बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या हम मानेंगे कभी क्रेडिट पे अभी पैसा नहीं आया, तो टोटल पैसा कितना है फिर 5 लाख रुपये, तो वो 5 लाख हमने ले लिया, ठीक है ना। और इसमें हम टोटल परचेज माइनस करेंगे मेरे बच्चे। यहाँ पे टोटल परचेज का मतलब होता है कि कैश पेड, कैश बेसिस है ना, जितना कैश आया कैश गया उसी की बात करेंगे। कैश पेड फॉर परचेजेज, परचेजेज के नाम पे हमने जितना पेमेंट किया, तो एक तो ये पेमेंट किया है 280, यहाँ तो कोई पेमेंट किया नहीं है, कुछ बताया नहीं, अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे बताएगा, बट यहाँ नहीं बता रहा तो हम 280 सिर्फ लेंगे। तो आपने क्या किया 280 माइनस किया, तो फिर हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया 2,20,000, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 220। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर एक बात बताओ, ये जो आपका क्रेडिट सेल्स है वो यहाँ तो कंसिडर हुआ, बट यहाँ तो कभी हुआ ही नहीं, यहाँ भी होगा बच्चे, पता है कब, जब वो पैसा आ जाएगा। इस साल पैसा आ गया तो हम इस साल उसको ले लेंगे, अगर इस साल पैसा नहीं है अगले साल आया तो अगले साल उसको इनकम मान लेंगे। कैश बेसिस का मतलब जिस साल में पैसा आ जाएगा ना रेवेन्यू के ब्याह पे, हम उस साल ही इनकम मानते हैं और दूसरा नहीं, ठीक है ना। और फिर हम आते हैं आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम, मुझे वहीं लिखना था बट जगह नहीं है, मैं यहाँ दे देता हूँ, थर्ड में हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल्स लेते हैं, सेल्स आपका वो आपका लिया जाएगा जितना कैश आया, मतलब इनकम कैश बेसिस पे। तो आपने जो कैश रिसीव किया ना, कैश रिसीव्ड फॉर सेल्स, जितना कैश रिसीव किया हम वही मानेंगे। कितना कैश रिसीव किया जी 5 लाख, तो हम बोले भैया सिर्फ यही हमारा है, मतलब कैश बेसिस पे, इनकम कैश बेसिस पे। लेकिन जो एक्सपेंसेज आप लेंगे यानी कि परचेजेज, वो आपका कैश पे भी लेंगे और क्रेडिट पे भी, कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। मतलब रेवेन्यू जो आएगा, इनकम जो होगा वो कैश बेसिस पे, एक्सपेंस आपका एक्रूअल बेसिस, उसको बोलता है हाइब्रिड, मतलब दोनों को मिला के बनाया हुआ सिस्टम आपका। तो परचेज में कैश परचेज कितना है जी हमारा 280 और क्रेडिट परचेज कितना है 320, तो ये अमाउंट कितना आपका हो गया 6 लाख। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट ना हो गया, इस बार लॉस आ गया, पर चिंता नहीं करना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल्स इस बार नहीं माना उसको अगले बार मानना पड़ेगा, है ना। तो हाइब्रिड में क्या होता है, रेवेन्यू वी टेक ऑन कैश बेसिस बट एक्सपेंसेस वी टेक ऑन एक्रूअल बेसिस। इस पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मैं फिर भी एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बस थ्योरी तक, और इतने जितना कराऊंगा उतने तक ही लिमिट रखना आपका, ठीक है ना। इसको मिटा दूँ मैं, ये सर ये लो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अगला, लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2। इसको मैं हटा दूं। हाँ जी, ये लीजिए। अब मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए मेरे साथ। कहता है कि कैश सेल्स 8 लाख, साथ साथ लिखेंगे आप, आगे पीछे नहीं। 8 लाख ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? यस सर। फिर कहता है क्रेडिट सेल्स, और लिखेंगे आप 5 लाख। फिर कहता है कि इसमें से जो पैसा आपने कलेक्ट कर लिया, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जो पैसा आपने कलेक्ट किया आउट ऑफ 5 लाख, वो कहता है कि 3,70,000, मतलब अभी और कलेक्ट हमें करना है, तो जब कलेक्ट करेंगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि कैश परचेजेज, कैश परचेज आपका 2,30,000, और कहता है आपका क्रेडिट परचेज ये कहता है 3,20,000। क्लियर इसके अंदर में, ये सर कैश परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया। इसके बाद कहता है कि पेमेंट जो हमने किया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब जो हमने आपका क्रेडिट में परचेज किया था 320 का, इसमें कहता है कि 2,25,000 का हमने पेमेंट कर दिया। एक नाम और ले लो, मन कर रहा है तो, रेंट जो हमने पे किया है वो आपका 70,000 है इस साल, और रेंट अभी जो आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना बकाया है, एंड में वो कहता है कि 20,000 है। बोलता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ए एक्रूअल, नंबर बी कैश, और नंबर सी हाइब्रिड। ठीक है ना, तीन। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, आप समझ गए होंगे, आप लिख लो, तब मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ आपको और चीज़ें बताता हूँ। सर हो गया, तो आप शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि पहले तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन में नंबर ए एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये जो एक्रूअल बेसिस है ना बच्चे, यही हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका सिलेबस में है ना, तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो होगा ना, या जो भी फाइनल अकाउंट, सब में एक्रूअल बेसिस ही चलता है। वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा एक्रूअल बेसिस में क्या करेंगे। तो आप पहले यहाँ पे टोटल आपका रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल्स कितना, एक्रूअल में तो हम बोलते भैया जितना कैश सेल्स हुआ टोटल, और जितना भी क्रेडिट सेल्स हुआ है ना, पैसा आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना भी हुआ वो सब लिख दूंगा। तो कैश सेल्स कितना यहाँ पे 8 लाख, और क्रेडिट सेल्स आपका 5 लाख, तो टोटल सेल्स कितना हो गया हमारा 13 लाख रुपये। इसमें आप माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंसेज ना। टोटल एक्सपेंस में एक तो आपका टोटल परचेज है, दो नाम है ना, इसलिए हम दोनों लिखेंगे यहाँ पे, टोटल परचेजेज, और इसमें एक आपका कैश परचेज है और एक आपका क्रेडिट परचेज है। ठीक है ना, कैश परचेज कितना बता रहा आपको यहाँ पे 230, और क्रेडिट पे जो परचेज हुआ हमारा 320, तो टोटल कितना हो गया 550। और इसके बाद आपका एक टोटल जो रेंट है, मतलब जितने भी एक्सपेंसेज होंगे सब माइनस करेंगे, चाहे पे हो चुका है चाहे अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का होना चाहिए। तो पेड कहता है कि 70,000 और आउटस्टैंडिंग कहता है कि 20,000, मतलब 90,000। तो माइनस कीजिए, बताइए प्रॉफिट ही आ रहा है आपका, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, है ना बच्चे। बताओ कितना निकल के आ गया, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है। 13 लाख रुपीज माइनस 550 एंड 90,000, तो 6,60,000 का अमाउंट, ये आपका एक्रूअल बेसिस आ गया। कोई डाउट इसके अंदर में? सर ये जो आपने कलेक्शन किया उसका कुछ नहीं करोगे, बदमाश बच्चे हो, इसी में से तो कलेक्ट किया। जब आपने सारा अमाउंट लिख दिया तो फिर दोबारा ये क्यों लिखोगे? सेम चीज़ यहाँ पे है, जो परचेज किया क्रेडिट पे वही आपने यहाँ लिखा, तो इसमें से जो पेमेंट हुआ दोबारा थोड़ा लिखा जाएगा, टोटल हमने ले लिया ना बच्चे। आप गंदी गंदी बातें मत मुझसे पूछा करो ना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल कैश रिसिट्स, कितना पैसा रिसीव किया फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से वो लिखिए आप यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, सेल्स में से कितने पैसे हैं, एक तो ये है आपके पास, जो कैश पे गुड्स बेचा वो तो पैसे आ गए ना बच्चे, तो 8 लाख हमारा वो हो गया। और इसमें से जितना पैसा आया, मतलब कलेक्शन जितना कलेक्ट हुआ, सर बाकी जब कलेक्ट होगा तब देखेंगे, है ना, जिस साल कलेक्शन होगा उस साल ही, और जितना पैसा कलेक्ट हुआ तो 370 इस बार, अगर पैसा बाकी अगले साल आया तो अगले साल इनकम माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 10,70,000। फिर यहाँ पे टोटल आपने कैश जो पे किया, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेज, आप एक्सपेंस में चाहे परचेज हो चाहे कोई भी, सब हम ले लेंगे यहाँ पे। ये कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, बस आपको प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे कैश पेड, कैश परचेज, एक तो वो लीजिए, कैश परचेज कितना हुआ था 230, और आपका क्रेडिट परचेज नहीं, पेमेंट जो किया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब जितना कैश गया ना इसके नाम पे कितना 225, तो 4 लाख कितना 55,000, ये 4,55,000, ठीक है ना। और फिर आपका एक है रेंट, सिर्फ वो जो पे किया है जितना कैश गया है 70,000, ये भी माइनस, तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल गया, 10,70,000 माइनस आपका 455,000 माइनस 70,000, ये आ गया 5,45,000, है ना। जितना एक्सपेंसेज हुआ जितना रेवेन्यू हुआ, बट एक बात याद रखना, हम लोग यहाँ पे वही एक्सपेंस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जो रेवेन्यू नेचर का है, मतलब जो पेमेंट हुआ रेवेन्यू नेचर का, मतलब जो एक्सपेंस और इनकम होने चाहिए। मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा और पेमेंट हो गया, वो पेमेंट यहाँ काउंट नहीं करना, क्योंकि मशीन बिल्डिंग खरीदना वो बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट्स का आइटम है। अरे प्रॉफिट को निकालते समय जो एक्सपेंसेज और रेवेन्यू, जिस नाम को जानते हो ना, ये एक्सपेंस ये रेवेन्यू, वही नाम सिर्फ आएंगे और कैश बेसिस पे। हमने कोई बैंक से लोन लिया, पैसा आया, तो वो नहीं कि आप यहाँ पे इनकम मान लेना, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, वो इनकम नहीं होता, वो लायबिलिटी होता है। तो जो रेवेन्यू है एक्सपेंस है उन्हीं को हमें यहाँ पे लेना होता है। कोई डाउट इसमें नहीं सर? डिटेल डिस्कशन अभी और आएगा, बातें चलेंगे अभी पूरा, बहुत चीजें। और सी में अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो हमने क्या बोला जी, वहाँ पे जो रेवेन्यू लिया जाएगा टोटल सेल्स, वो आपका कैश बेसिस पे, तो रेवेन्यू में आपका एक तो कैश सेल्स आ जाएगा और एक आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, है ना, मतलब सेल करके जितना पैसा आया वो। तो कैश सेल्स कितना है, इट्स 8 लाख, और कलेक्शन कितना है 370, रेवेन्यू कैश बेसिस पे, तो 11,70,000। लेकिन जो आप इसमें टोटल आप एक्सपेंसेस लेंगे वो आपका एक्रूवल बेसिस पे, मतलब एक तो आपका कैश परचेज, मतलब टोटल परचेज लिया जाएगा, चाहे वो कैश पे हो और चाहे वो क्रेडिट पे हो। तो कैश परचेज आपका जो है यहाँ पे वो 230, और जो आपका क्रेडिट परचेज है यानी कि 320, 550, 5.5 लाख रुपए, और आपका जो रेंट है, आपका रेंट वो भी क्या लेंगे हम, जो पे हो गया चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, 70,000 हमने पे कर दिया है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना बता रहा है 20,000, यानी कि 90,000। रेवेन्यू आएगा कैश बेसिस पे, एक्सपेंसेस जो आएंगे वो हमारे आएंगे आपका एक्रूअल बेसिस पे, है ना। तो कितना हो गया 1170 में आपने 550 माइनस किया एक तो, एंड 90,000 माइनस किया आपने, ये 5,30,000, 5,30,000 रुपये। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। तीनों में अलग अलग प्रॉफिट आएगा, बट अल्टीमेट प्रॉफिट पूरे साल, 3 साल 4 साल 5 साल सबका अगर मिला दोगे तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हम डिफरेंट मतलब टाइमिंग को डिफर कर रहे हैं। इस साल का इनकम कोई बात नहीं, अगली बार मान लेंगे किसी बेसिस पे जब हम पैसा रिसीव करेंगे। तो दिस इज द सिस्टम विच गो ऑन। तो ये बातें आपको समझना है और इस तरीके से अकाउंटिंग करना है। तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एक्रूअल का, कैश का और हाइब्रिड में। याद रखना एग्जाम में अगर आ जाए MCQ तो कहाँ टिक मार्क होगा कि रेवेन्यू जो होगा वो कैश बेसिस पे, माफ कीजिए, या रेवेन्यू जो होगा कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस होगा एक्रूअल बेसिस पे। इसको हम हाइब्रिड सिस्टम अकाउंटिंग बोलते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं सर? जल्दी से आप कॉपी कीजिए। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, आपका ऐसे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मेनली दो ही होते हैं, एक्रूअल और कैश। तो हाइब्रिड और मिक्स बेसिस जो है ना वो कुछ लोगों ने यहाँ पे एक निकाला हुआ, तो एग्जाम में अगर तीनों लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो लिख के नीचे में एक पैराग्राफ डाल देना कि हाइब्रिड सिस्टम इन अकाउंटिंग में ये करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम पे नोट्स आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए ताकि मैं अब इसके आगे बढ़ूँ अगले टॉपिक के अंदर में, जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया बच्चों, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और जरा आ जाओ अपने बुकलेट के अंदर में, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगला टॉपिक आपका है प्रोसीजर, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग है उसमें किस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं, क्या तरीका हमारा होता है, हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा था, एक्चुअली ये टॉपिक आज तो शुरू होना मुश्किल लग रहा है, आज हम लोग बेसिक में ही चल रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम उसका भी डिस्कशन करेंगे, बट कोई बात नहीं, नाम में क्या जाता है। हाँ? ये लीजिए, इसको मिटा दूं और आगे बढ़ते हम लोग पढ़ेंगे आप मेरे साथ आगे का टॉपिक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये आ जाए तो इसके दो पार्ट है, एक है आपका जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, और सेकेंड में उसको यूज करना। मतलब दो पार्ट है प्रोसीजर्स में, एक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना फिर उसको यूज करना। तो जो जनरेट करना उसमें हमें क्या करना है जी, तो देखेंगे आप यहाँ पे, एक तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में। जर्नल का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, यानी कि आपका सब्सिडरी बुक हो चाहे जर्नल एंट्री हो, जर्नल प्रॉपर। फिर कहता है आपका क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग आपका, है ना। तो एक्चुअली जो हम लोगों ने ऊपर में नहीं देखा था आपका अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का ही एडवांस वर्जन है, उसको और प्रॉपर तरीके से अगर एग्जाम में प्रोसीजर एस्पेक्ट पूछ देगा तो इस तरीके से लिखेंगे। अकाउंटिंग साइकिल तो ऊपर में जो था वो दिखा सकते हैं। फिर आपका कहता है यहाँ पे जनरेटिंग में रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, समराइजिंग। ये समराइजिंग हम कहाँ करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में। फिर आपका जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट हम वहाँ भी समराइजिंग किया, मैंने बताया था आपको। फिर आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना। ये देखो ये जो चार है ना बच्चे, अगर आप अकाउंटिंग साइकिल का देखेंगे स्टेप्स क्या है तो सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। उसको हमने वहाँ पर क्या किया कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ऐसे करते हुए लिखा हुआ है। तो और वो चीज़ हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अकाउंटिंग साइकिल पूछ देगा तो ऊपर का दिखा देना, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पूछ देगा तो दो पार्ट में आपको यहाँ बताना है। एक तो जनरेट करना, जनरेट में वही सारी बातें यहाँ पे, और फिर आपका उसको यूज करना, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर पांचवा आपका यहाँ पे कम्युनिकेटिंग है। कम्युनिकेटिंग मतलब जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर लोगों को कम्युनिकेट करना, और फिर उसका सेकेंड पार्ट में उसको यूज करना। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज क्या है, मतलब डिफरेंट जितने लोग होते हैं ना, मैनेजमेंट को उसका कोई अलग यूज है, आपके शेयर होल्डर्स मतलब मालिक उसको किसी और काम के लिए यूज करते हैं, एम्प्लॉय के लिए कोई अलग काम के लिए यूज है। मतलब जो अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन आपने निकाला जितने लोग होते हैं सबको अपना अपना यूज है। तो वही कहता है, पढ़ेंगे आप यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर में दो तरीके के यूजर्स है, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। एग्जाम में आ सकता है कि इंटर, ये जरा जैसे डायरेक्टर्स का नाम दे दिया, बताओ ये कौन है जी, तो आपको इंटरनल में टिक मार्क करना होगा। तो यूजर्स में कहता है कि दो तरीके का, इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में कहता है डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, मैनेजर है, एम्प्लॉय हैं। आप देखेंगे तो ये एक्चुअली कंपनी के अंदर के लोग हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के जो ओनर हैं, कंपनी के जो मैनेजर है, कंपनी के एम्प्लॉय। तो कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं बच्चे उसको इंटरनल कहेंगे। और एक्सटर्नल का मतलब कि कंपनी के जो वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करते बट वो भी उसके यूज को चाहते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, किसी ने आपके कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो हो गया। इसको हम ऑनर से नहीं जोड़ेंगे, पार्टनर मतलब जो कंपनी को का मेन जो ऑनर, ऑनर इन्वेस्टर में जनरली दोनों सेम होते हैं बट फर्क बता दूं मैं आपको। इन्वेस्टर का मतलब कोई लेंडर है, जैसे किसी ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है बट उसको मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, वर्किंग से मतलब नहीं है, तो उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। लेंडर हो गया सेम उसी का दूसरा नाम, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए। कस्टमर भी आपके पोजीशन को जानना चाहेगा, सर कस्टमर को जानना चाहेगा कि आप ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मतलब कि प्राइस आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, और ज़्यादा प्राइस चार्ज करने वाले लोगों के साथ ना कस्टमर ज़्यादा दिन तक रुकते नहीं हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो यूजर्स जो हैं वो आपका उसमें कस्टमर भी आएंगे, तो एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया इंटरनल होते हैं, और दूसरा कौन जी एक्सटर्नल, और उन्हीं का डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया गया है। इन्वेस्टर में कौन कौन है, एम्प्लॉय, लेंडर, आप इसको पढ़ लेंगे, ये मैं ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला। हाँ एक चीज़ बता दूँ, ये जो यूजर्स जितने हैं ना बच्चे, जितने भी हैं चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो कोई भी, इन सबको मिला के एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर। ये वर्ड याद रखना, स्टेक होल्डर। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना तो आपको स्टेक होल्डर, और एक कंपनी में एक वर्ड आता है शेयर होल्डर। कंपनी में अभी जब कंपनी के अकाउंटिंग सीखेंगे तो शेयर होल्डर जो होता है ना कंपनी में, वो मालिक होते हैं, मतलब ये ओनर होते हैं आपका। लेकिन इस स्टेक होल्डर में सिर्फ ओनर ही नहीं, सब लोग कवर्ड होंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको जानना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉय हो, लेंडर हो, सभी लोग को मिला के क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, है ना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा तो भी हम उसको देखेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका अगला टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन मतलब अदर सब्जेक्ट्स। पता है जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल चला करते थे, पता है क्या, कि यार हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। आप ये सोचते हो कि यार इकोनॉमिक्स का क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं जब हम कॉमर्स के अंदर आपके हैं, तो लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें। तो मैं आपको बताऊं इन सब का कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में लेन देन है बच्चे। अभी जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना कि लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, और प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया। लेकिन फिर अकाउंटिंग में क्या होगा ना, जब आप आगे जाएंगे, कभी बड़े जब हो जाएंगे प्रोफेशनल अच्छे लेवल में, तो आप वहाँ सीखेंगे यार प्राइस अगर इतने रुपये से कम हुआ तो डिमांड कितने से बढ़ेगा, और प्राइस अगर इतने से बढ़ गया तो डिमांड कितने से कम होगा। इसका बहुत प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होता है, इस पर वर्क चलता है, इस पर बजट बनता है बच्चे, फोरकास्टिंग होती है, तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगे। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स सिखाया जाता है। इकोनॉमिक्स आपको डेटा देता है ना, नेचर बताता है आपके इकोनॉमी का, आपके लोगों का, और उसके ऊपर में हम अपना आगे का काम करते हैं। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इसको पढ़ लेना आपने डिटेल में, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको बस समझा दूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आपको डिफरेंट टाइप का डेटा देता है, डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको देते हैं, और उनको हम यूज करके अकाउंटिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, ये तो ऐसे मैथमेटिक्स का बहुत कुछ रोल नहीं है, बट आप देखो ना जितने भी कैलकुलेशन करते हो अकाउंटिंग के अंदर में, ये सब क्या मैथमेटिक्स से ही तो निकल के आता है। आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है, कोई इंटरेस्ट निकालना, मैथमेटिक्स हेल्प करता है आपको। एंड द अकाउंटिंग एंड लॉ, बहुत सारे लॉ को आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ रहे होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर लॉ आपका पॉसिबल नहीं है। आपने एक सुब्रतो राय का, शायद आपने नाम सुना, मुझे नहीं पता, सहारा का मालिक है, उसने पता क्या है, उसने अभी कुछ समय, अभी 2-2.5 साल जेल में रह के वो आया है, मतलब हो गया टाइम उसका आए हुए, लेकिन रीजन क्या था, उसने गलत काम क्या किया था कि लॉ को तोड़ा था। हमारे देश में है कि अगर आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो पहले आपको सेबी में लिस्टेड कराना होता है अपने आप को, उसके बाद आप पैसा पब्लिक से ले सकते हो। और उसने क्या किया, अपने आप को बड़ा आदमी समझा, बिना सेबी में लिस्टिंग कराए अगर पब्लिक से पैसा लेना शुरू कर दिया, तो लॉ को उसने तोड़ा। इसलिए मेरे बच्चे जैसे जैसे आपकी डिग्री आगे बढ़ेगी, आप बड़े होते जाएंगे, आपको डिफरेंट टाइप के लॉ पढ़ाए जाएंगे, ताकि जब किसी कंपनी में या खुद की कंपनी आप स्टार्ट करेंगे या किसी बड़ी कंपनी या किसी कंपनी को संभालेंगे, तो जितने लीगल कंप्लायंस होते हैं, पीएफ को लेकर आपका है, ग्रेच्युटी को लेकर आपका है, वर्कर्स को लेकर है लॉ, एम्प्लॉय को लेकर है, कंपनसेशन कितना पे कर रहे हो उसको लेकर है, आपके मतलब बहुत सारे लॉ हैं, उन सबके बारे में आपको नॉलेज रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़े जाना एक्चुअली आपको ना। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, ये तो बिना डाउट के, बिना मैनेजमेंट के, यानी कि अगर आपके अंदर में मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो फिर अकाउंटिंग कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया, या फिर मैनेजमेंट करना नहीं आता, या आप उस तरीके से सोच नहीं सकते, तो अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नहीं देने वाला। फिर तो आपको बुक कीपिंग में जाकर लिमिट हो जाना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट तो हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अकाउंटिंग में मैनेजमेंट ही तो करना है। डेटा का मैनेजमेंट हो, लोगों का मैनेजमेंट हो, फाइनेंस का मैनेजमेंट हो, डिसीजंस के मैनेजमेंट हो, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एनीवे, आइए अगला टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, दायरा, मतलब जो उसको ओवरकम नहीं कर सकता, मतलब कुछ कमियां है इसके अंदर में। तो मैं आपको अगर बिना पढ़े बगैर बताऊं ना, तो पहले तो ये सबसे बड़ी इसका लिमिटेशन है कि भैया हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है, पास्ट के डेटा को, है ना बच्चे। तो पास्ट का डेटा रिकॉर्ड करना, पास्ट से फ्यूचर में क्या अंदाजा लगाया जाएगा, मतलब है तो बहुत अंदाजा लगाते हैं हम लोग, हर एक आदमी लगाता है, बट लिमिटेशन बताना है तो हमको निगेटिव होकर सोचना पड़ेगा कि भैया आप तो पास्ट डेटा रिकॉर्ड करते हो, फ्यूचर के बारे में तो कुछ बताते नहीं हो, पहला लिमिटेशन। दूसरा, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ना, इसमें कई चीजें एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें कितना बनाना है, हमें आपका प्रोविजन फॉर मतलब रिपेयर कितना होगा, बहुत सारे तरीके के आपको ना यहाँ पे एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं, और एस्टिमेट मेरे बच्चे कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते, ये भी इसका लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन है कि जो हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन आपका पास्ट डेटा। इसका लिमिटेशन है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका मेजरमेंट मनी में हो सकता है, जिन चीजों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि आप मान लो एक मैनेजर है बहुत अच्छी क्वालिटी का है दूसरे के कंपैरेटिवली, तो बहुत अच्छी क्वालिटी को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारे प्रोडक्ट में कुछ खराब, मतलब दो मैनेजर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये चीजें ना अब मनी के टर्म में कैसे मेजर किया जाए, जबकि ये बिजनेस में इंपैक्ट डालते हैं। तो ये लिमिटेशन आपका है। इन्फ्लेशन, महंगाई, जो महंगाई बढ़ते चले जा रही है उसको अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसको हम तो बस डेटा जो एग्जैक्टली होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, महंगाई कितना बढ़ गया कितना नहीं उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। हालांकि इस पर हमने ओवरकम किया हुआ है, और जैसे जैसे आगे आप सीखेंगे ना, आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो हो रहा है, महंगाई, हम उसको भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, बट वो अभी हमें लिमिटेशन बताना, और आप छोटे बच्चे हैं तो अब इसको अभी बोलने के यार ये भी तो लिमिटेशन है, पढ़ो ना क्या क्या बता रहा है। नंबर 1, अकाउंटिंग कैन नॉट रिफ्लेक्ट लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ पर्सनल, जो आपके एम्प्लॉयज है उनका लॉयल्टी और उसका जो स्किल है उसके बारे में नहीं बताता आपको। इट नेवर टेल्स अबाउट योर फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज, ये फ्यूचर के बारे में कहाँ बताता है, इट ओनली रिकॉर्ड्स द पास्ट इवेंट एंड दैट हैज बीन अकर्ड, ठीक है। तीसरा कहता है कि इग्नोर्स चेंजेस इन मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, मैंने बता दिया। फोर्थ कहता है कि ये इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, अकाउंटिंग करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। मैं अगली क्लास में आपको जब प्रिंसिपल बताऊंगा तो 2 प्रिंसिपल दिखाऊंगा, एक है मटेरियलिटी और एक है फुल डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मटेरियलिटी कहता है कि जो इंपॉर्टेंट जितने चीजें हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करो, जितने इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को डिस्क्लोज करना है, और फुल डिस्क्लोजर करता है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करो, फुल डिस्क्लोज करो। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सबको डिस्क्लोज करना है, और मटेरियलिटी कहता है कि मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो मैं क्या करूं, सबको डिस्क्लोज करूं या मटेरियल को डिस्क्लोज करूं, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है जो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है ही, ठीक है। और सम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैंने बताया कि कुछ एस्टिमेट्स है जिसमें कि आपके पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनेगा, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करो, उसमें पर्सनल जजमेंट होते हैं, और जहां जजमेंट होंगे ना पर्सनल, वहां पे अकाउंट्स एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता। फिर कहता है कि 6 पॉइंट में यह उन्हीं को रिकॉर्ड करेगा जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते, मैंने बताया था जिनका मनी के टर्म में मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और कहता है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम आइटम, ये तो मैं बताऊं आपको आगे दिक्कतें आएंगी। एक ही काम को करने के 2 तरीके 3 तरीके हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पढ़ेंगे हम लोग या पढ़ चुके होंगे आप कि SLM से या WDB से किसी से भी चार्ज कर सकते हो जी। इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, उसमें कई आपके चीजें हैं, लिफो से करूं, फीफो से करूं, किससे करूं, बहुत सारी बातें। तो जहां पे अब एक चीज के 2-3 तरीके, वहां पे और कंफ्यूजन, ये भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब जो गुस्सा दिलाता है, जो कमियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, बट एनीवे कोई बात नहीं, ये हम लोग आपका लिमिटेशन में इन सब बातों को लिखेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। नाउ इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आपका है, अगला आपका रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी। आप क्या करोगे जब आप अकाउंटेंट ना बोल के मैं अकाउंटिंग बोलूं, जब अकाउंटिंग आप मास्टरी कर लोगे तो क्या करोगे? कई सारे काम आपका होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना, आपको सपोज कि टैक्सेशन फील्ड में जाना है, वहां पे टैक्स कैलकुलेशन करना, गवर्नमेंट को सर्विस देना, अपना कंसल्टेंसी देना, बहुत सारे काम कर सकते हो। रोल मतलब आप क्या क्या सोसाइटी को दे सकते हो। तो देखो ना, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्विस क्या क्या आप करेंगे, मतलब अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट यानी कि अकाउंटिंग करने वाले लोग क्या क्या करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आप उसको मेंटेन करते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक मैं सुधार दूं। फिर आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है बच्चे कि फाइनेंशियल जो आपके एंट्री आपने किया, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया, उसको ऑडिट करना। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ध्यान रखना, ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है और ये करने का राइट सिर्फ और सिर्फ एक सीए के पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो सीए करता है, कॉस्ट ऑडिट जो है वो एक सीएमए करता है। सबके फील्ड आपके डिफाइंड है। इंटरनल ऑडिट जो होगा कंपनी का, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने खुद के लिए, किसी ने बोला नहीं है, उसके कंपनी में सारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे भी वो ऑडिट कराते हैं। ऑडिट का मतलब चेक करना, ऑडिट का मतलब होता है टू चेक। तो इंटरनल ऑडिट जो होते हैं ये भी आपका अकाउंटिंग के अंदर में आएगा। इसमें एक सीए भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अंदर में, है ना। टैक्सेशन आपका आ गया यहाँ पे, जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करना, कंपनी के टैक्स निकालना, इंडिविजुअल के टैक्स को पता करना, आगे की चीजें हैं आप सीखेंगे। फिर पांचवा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी, जो मैंने समझाया था स्टार्टिंग में। कल को अगर आप CA/CMA या कोई भी जो आपकी डिग्री अगर आप कंप्लीट कर लेते हो और आपको मन करता है मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना जी, एक कंसल्टेंसी ओपन करना है, मतलब आप क्या करोगे, लोगों को एडवाइस दोगे, टैक्स कैसे करें, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, तो आप उसमें भी जा सकते हो, वो आपका कंसल्टेंसी है। मैनेजमेंट के अंदर में अगर बहुत ज़बरदस्त आपके पास स्किल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में, उनके वर्किंग में, किसी के बिजनेस छोटे लेवल पे है, वो कहता है कि जरा बता दो मैं बड़ा कैसे करूँ, तो आप उसको बड़ा करने का तरीका बताओगे। रिस्क को बियर कैसे करना है, रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, कई तरह की कंसल्टेंसी होती है, वो सब आप करेंगे जब बड़े होते चले जाएंगे। तो या फिर फाइनेंशियल एडवाइस देना, मतलब फाइनेंशियल एडवाइस में आपका क्या आप गुड्स को बनाएं या बेचें, मार्केट से खरीदें, मेरा प्रॉफिट लॉस कितना आपका होगा, कहाँ से पैसा रेज करें, कहाँ से नहीं, उन सब की एडवाइस देना। तो ये सारे काम आप यहाँ पे, आपका रोल है, आपके जो काम है। इसके साथ साथ आप ध्यान देना अदर सर्विसेज में कुछ और भी काम है जी। सेक्रेटरियल वर्क के अंदर में आप जा सकते हैं, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कोई शेयर को किसी को रजिस्टर्ड कराना है सेबी तो वो भी काम आप करते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन का काम भी आपके पास होता है। कंपनी को बंद करना, लिक्विडेट करना, उसके लिए भी आपको अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेशन के लिए हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हो गया, मतलब बहुत सारे फील्ड है। सिंपली अगर मैं शब्दों में, अपने शब्दों में बात करूँ ना, तो जहाँ भी फाइनेंस है ना, जहाँ भी फाइनेंस है या उससे जुड़ा हुआ डिसीजन, वहाँ पे अकाउंटेंट यानी कि अकाउंटिंग यानी कि आपका रोल होगा ही होगा, है ना। तो आपके पास बहुत सारे फील्ड है। कोई कहता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि यार अभी मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है, हम लोग का वैल्यू कम होते चला रहा है, डिमांड कम होते चला जा रहा है। अरे कहाँ से डिमांड कम होगा, जैसे जैसे कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है डिमांड और आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग थोड़े होता है, उसको दिमाग के लिए लोग चाहिए और अकाउंटिंग के लोग चाहिए, बुक कीपिंग का नहीं। बुक कीपिंग का काम कम हो रहा है ना, क्योंकि अकाउंट्स वहाँ मेंटेन, जहाँ पे 100-100 लोग होते थे, कंप्यूटर खुद ही 2-3 लोग मिलकर उस काम को कर लेते हैं। बट अकाउंटिंग वो नहीं कर सकता, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा ही कर सकता है, वो आप करते हैं। खैर चलिए, मैंने इस टॉपिक को एंड किया और आपको मैंने आपको बताया बेसिकली अकाउंटिंग का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या बेनिफिट, क्या बुक कीपिंग, क्या ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, वो भी मैंने डिस्कशन किया। आज की क्लास को हम यही रखते हैं बच्चे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन और आपका कॉन्सेप्ट, एक्चुअली तीनों का मीनिंग सेम है, नाम क्यों लिखा गया, वो सारी बातें अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ा हुआ MCQs क्या क्या बन सकता है, एग्जाम में क्या थ्योरी आ सकते हैं, और भी उनका भी मैं आपका पूरा डिस्कशन करूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके आगे आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।